तो हम लोग एक नए टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है आर टी आई है ना दिस इज द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नेंस तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली हम लोगों ने गुड गवर्नेंस के बारे में देखा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अभी हम लोग उसी का एक अप्लाइड फॉर्म में चीजें आगे बढ़ा रहे हैं जब हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो क्या है इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सिटीजन चार्टर क्या है गुड गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है क्यों फिर ट्रांसपेरेंसी आती है अकाउंटेबिलिटी आती है तो अभी हम लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं गुड गवर्नेंस के फर्दर एक्सटेंशन में पढ़ाई कर रहे हैं इसी दिशा में क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन आर तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि यूपीएससी पर क्या सवाल पूछ चुका है और किस तरीके से और सवाल पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग बस क्रक्स को पकड़ेंगे कि बेसिक क्या होता है और इश्यूज क्या क्या हैं आरटीआई में क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए जा जा चुके हैं और उससे हम एज सिटीजन कैसे इम्पैक्ट हुए हैं या होते रहे ये आरटीआई की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस देखो हमने क्या तुमको बताया कि एक बंदा है जो कि गवर्न कर रहा है एक है जो गवर्नड हो रहा है ठीक है और ये कौन है ये सिटीजन है और ये क्या है स्टेट है इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को ही हम लोग पूरा गवर्नेंस इसी को कहा जाता है इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है उसको हम लोग गवर्नेंस कहते हैं वो गवर्न कर रहा है ये गवर्नड हो रहा है पर ये इतना सिंपल नहीं है जब हम लोग ये बता रहे हैं तो हम ये भी तो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति असल में पावर इसके पास है और वो ये इसको इलेक्ट करके वहां पे भेजा है और इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने की बात कर रहा है तो अब ऐसी थोड़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि देखो तुम जब किसी को वोट करके एक स्टेट बनवा देते हो तो, तो वो एक सुपर स्ट्रक्चर बन जाता है सुपर पावर बन जाता है और उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है अदरवाइज वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा वही ए का रोबोट की तरह हो जाएगा अभी तो बहुत ठीक ठीक लग रहा है पैरा पैरा लग रहा है कल कोई बंदूक उठा लेगा और तुम्हें तो फायर करने लगेगा सो इट कैन गो है समझ में आ रहा है जैसे इलॉन मस्क ने क्या नाम है ऑप्टिमस देखा है आप लोगों ने जो ए आई रोबोट जो बनाया है टेस्ला ने कितने लोगों ने देखा है एकदम ही न्यूज पेपर नहीं पढ़ते हो क्या भाई अभी जो मस्क टेस्ला ने कितने लोगों ने नहीं देखा है अभी तक कुछ सुना ही नहीं उसके बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यार ऐसे कैसे चलेगा थोड़ा सा अपडेटेड रखो अपने आपको को हम्म हम्म

ये भले एक इनोवेशन लग रहा है सारी चीजें लग रही हैं पर इसका फ्लिप साइड भी है ये मैं बताना चाह रहा कि तुम जब एक गवर्नमेंट को क्रिएट करते हो ना वो ऐसे ही सुपर पावर बन जाता है उसके पास सारे अधिकार हैं तुम जिंदगी भर काम करते हो मेहनत करते हो आई बनते हो एक बंदा एक मिनिस्टर बनता हो तुम्हारे ऊपर आकर के हैर में बैठ जाता है उसके अंदर में सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं उसके पास सारा पावर आ जाता है सारा जो आ, हम लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री के जितने भी सीक्रेट्स हैं हमारे जितने भी कंट्री के जो पचासों साल के जो क्लासिफाइड फाइल्स हैं वो सब उसके कंट्रोल में आता है स्टेट so, की जो सेफ्टी सिक्योरिटी आर्मी सारी चीज़ें उसके अंदर में आती है तो तुम सोचो कितना बड़ा सुपर स्ट्रक्चर वो बन जाता है सारे फैसले जो वो लेता है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं और आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए अब ये रोबोट्स बंद हो गए हैं और ह्यूमन के लिए एक नेक्स्ट जायंट लीप है लेकिन हो सकता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो थ्रेटन हो जाए क्योंकि 2030 तक 2040 तक लगभग 10 बिलियन ऐसे रोबोट्स टेस्ला बनाएगा 10 बिलियन हमारी आबादी 7 बिलियन है 10 बिलियन ऐसे बनेगा तब जा कर के एक का कॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर्स पड़ेगा और ये घर का सारा काम और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो ये रोबोट्स ही करेंगे आने वाले टाइम में ऑल आई एम सेइंग कि जब तक ये काम कर रहे हैं हार्मलेस लग रहे हैं तब तक ठीक है लेकिन अगर ये पावरफुली डिज़ाइन हो गया सारे जितने भी आर्म्स एम्बू नेशनस हैं उनके लिए ट्रेन हो जाएंगे तो हमारा ह्यूमन एक्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगा तो इनको भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है ठीक उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है अगर वो गवर्नमेंट को हम लोग कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ भागने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है और हमारे कंट्री एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी गवर्नमेंट है ना वो एक उसके पास लिमिटेड पावर और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग जुडिशियरी रखते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऐसा डिजाइन हम लोग क्रिएट करते हैं ठीक है उसी क्रम में ये राइट टू इंफॉर्मेशन है मतलब ये एक व्यक्ति जो कि सिटीजन है और ये एक गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट बोलता है कि तुम मुझे टैक्स दो ये टैक्स देता है इसको टैक्स का पैसा देता है ठीक है फिर तो ये व्यक्ति इसको बोलता है मैं तुम्हें टैक्स का पैसा दे रहा हूँ तुम मुझे हिसाब किताब दो तुमको मैंने अपॉइंट किया है मेरे लिए फैसले लेने के लिए मैं मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है और मुझे घर भी चलाना है ठीक है मैं जो भी सौ रुपये कमा रहा हूँ मैं उसमें से निकाल करके तुम्हें दूंगा बट यू ऑल्सो गिव मी सम अकाउंटेबिलिटी तो ये गवर्नमेंट इसको इसको अकाउंटेबिलिटी जो देता है उस अकाउंटेबिलिटी देने के मैकेनिज़्म का जो प्रोसेस है इसी को आर कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन ही इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन सीख करने के मैके लॉ टू था जिसके थ्रू गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड किया जाता है अब वो इंफॉर्मेशन मिलना मतलब वही है कि कैमरा लगा हुआ होना की सरकार करके आ रही है वो जो रोड बना उसमें जो पांच करोड़ रुपया लगा वो पांच करोड़ रुपया का सोर्स कैसा था और वो पांच करोड़ रुपया कहाँ कहाँ खर्च हुआ कैसे कैसे खर्च हुआ उसका लेखा जोखा अब एक बार ट्रांसपेरेंसी आपके पास हो जाएगी तो आप अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर ही लोगे तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन सरकार की टेंडेंसी क्या होती है कि कम से कम इंफॉर्मेशन दे और सिटीजन की क्या टेंडेंसी होती है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाले तो सिटीजन सेंट्रिक अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आरटीआई का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट अगर अपने हिसाब से चाहे तो गवर्नमेंट क्या चाहती है इट इज रेजिस्टेंस टू चेंज इट इज स्टेटस कोएस्ट एक वर्ड जो यूज किया जाता है गवर्नमेंट के लिए वो क्या यूज किया जाता है स्टेटस कोएस्ट मतलब यथास्थिति जो है जैसे चल रही है चीज़ें वैसे ही चलें ज्यादा सवाल जवाब ना करें अभी आप एस आई के एस्पेरेंट हैं तो आप बोलेंगे कि डीएम लोगों को और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कल को आप डीएम बन जाएंगे तो आप बोलेंगे कम से कम ट्रांसपेरेंसी रहे क्योंकि वो आपकी इंपॉर्टेंस किस चीज़ में है वो इंपॉर्टेंट मैटर करेगा समझ में आ रहा है जब आप खुद एक, अपने डीएम बन जाएंगे तो आप चाहेंगे कि आपकी पूछ ज़्यादा हो पूछ ज़्यादा कब होगी जब सारे काम आपके थ्रू ही होंगे अगर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी तो आपकी पूछ कम हो जाएगी Are you getting the point? It's always a thing of frame of frame reference. ठीक है तुम मुझसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब कर रहे हो ऐसा करो तुम मुझे डेटा दो ये डेटा सीख करता मतलब ये सिटीजन को बोलता है ये आरोप तुम नीट का फॉर्म भरोगे तुम आईआईटी का फॉर्म भरोगे तुम यूपीएससी का फॉर्म भरोगे तुमको आधार कार्ड देना पड़ेगा सिम कार्ड चाहिए आधार कार्ड देना पड़ेगा हर एक चीज़ देना पड़ेगा तुमको आधार कार्ड देना पड़ेगा मैं आधार कार्ड जैसे कि मैकेनिज्म बना दूंगा तुम्हारा पूरा बायोमेट्रिक मेरे पास रहेगा पूरा डेटा तुम्हारा मेरे पास रहेगा तुम्हारा फोन में ट्रैक कर सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो हर एक चीज में हिसाब किताब मैं अपने पास रखूंगा ये भी सर गवर्नमेंट चाहेगा बोलो तुम मुझसे इंफॉर्मेशन चाह रहे हो ठीक है इंफॉर्मेशन तो मैं तुमको दे दूंगा लेकिन फिर मैं तुमसे भी इंफॉर्मेशन लूंगा तो कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है सर्वेलान्स करती है और ऐसे बहुत सारे है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सर्वेलान्स करने का मैकेनिज्म करती है डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली करती है यहां पे सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे राइट टू प्रिवेसी का एक मैकेनिज्म क्रिएट किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है कि सिटीजन को प्रोटेक्ट करे क्योंकि सिटीजन को प्रोटेक्ट कौन करेगा और प्रोटेक्ट किसके अगेंस्ट करेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट करेगा क्योंकि गवर्नमेंट और सिटीजन कभी एक नहीं हो सकते दो अलग दो तलवार एक नियम में नहीं रखा जा सकता है हिंदी में म्यान बोलते हैं दो एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकता है। या तो गवर्नमेंट या तो दोनों का सिंक में काम करना इसलिए तो कहा जाता है कि मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना क्योंकि मीडिया इनके साथ खड़ी है रूल ऑफ द सिटीजन कैसे होगा एक बार तुमने एक ये अलादीन है इसका जिन है अब ये काम तो बोल देगा जब तक बोल रहा है कि क्या हुक्म है तब तक, तक तो काम कर दे रहा है लेकिन बोलेगा अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा तो उसको बचाने का तो कोई मैकेनिज्म होगा ना तो इसके साथ खड़ी होती है जुडिशियरी इसके साथ खड़ी होती है मीडिया इसके साथ खड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन और इसके साथ खड़ा होता है इसके फंडामेंटल राइट है ना इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे लोग हैं प्रॉब्लम तब होता है जब ये मीडिया जाकर खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम तब होता है जब ये जुडिशियरी के लोग को अपॉइंट करने लगता है गवर्नमेंट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करता है गवर्नमेंट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट इस व्यक्ति को इससे लड़ने के लिए ना ये सारी चीजें चाहिए होंगी इसके साइड में मीडिया क्या करेगा सरकार की पॉलिसीज़ पे सवाल उठाएगा आपने ये जो फैसला लिया वो कैसे किया क्वेश्चन पूछेगा टफ क्वेश्चंस पूछेगा पर मीडिया हाउसेज आजकल देखते हैं कि नहीं पूछता है सवाल वेस्ट में अभी भी पूछता है ट्रम्प से एकदम खुल के सवाल पूछेगा कि भाई ये कैसे वो कैसे पॉइंट मेरा यहाँ पे ये यह है कि एक कॉन्स्टेंट टसल चलता है दोनों के बीच में यहीं पे सुप्रीम कोर्ट आया और बोला कि हर चीज़ के लिए आपको आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है तुम चाहो तो सिम कार्ड बिना आधार कार्ड के भी ले सकते हो प्रोवाइडेड कि तुम्हें सिम को रिन्यू रिव्यू ये मतलब स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा पर तुम्हें भी चाहिए चीज़ें इंस्टेंटली तो तुम आधार कार्ड दे देते हो पर आधार कार्ड देना कोई कंपल्शन नहीं है पहले ये बोल रहा था हर चीज़ में आधार कार्ड लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में राइट टू प्रिवेसी के जब आधार एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे जब सुप्रीम कोर्ट 2016 में जजमेंट देता है जिसमें चंद्रचूग साहब जो अभी सी हैं उन्होंने भी ये जजमेंट दिया कि हर चीज़ में तुम्हें आधार कार्ड की जज की जरूरत ज़ु, नहीं चाहिए और राइट टू प्रिवेसी नाम की भी एक चीज़ होगी इस व्यक्ति की राइट टू प्रिवेसी इंपॉर्टेंट है और राइट टू प्रिवेसी इसका फंडामेंटल राइट right बात समझ में आ रही है और इसी प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया किसने रिस्ट्रिक्ट किया जुडिशियरी ने यह बोल करके कि हर एक चीज में तुम इसका डेटा नहीं ले सकते हो साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया ठीक है तो मैं तुम्हारा पूरा नहीं ले सकता तो मैं आरटीआई को भी वीक कर दूंगा आरटीआई में भी अमेंडमेंट मैं ले आऊंगा ताकि हर तरीके के सवाल तुम मुझसे नहीं पूछ सकते हो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि 2019 में आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया जिसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हम लोग देखेंगे और 2020 में, सवाल में, समझ में आ रहा है कि आई क्या है अब सवाल वही है कि इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरी जो डेमोक्रेसी की का जो अस्तित्व है ना वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कितना इंफॉर्मेशन जो सीक आउट किया जा सकता है और इन्फॉर्मेशन क्यों सीक आउट करना है क्योंकि ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है और इसी प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि 2005 में आरटीआई एक्ट लाने के लिए यूपीए की सरकार आरटीआई एक्ट लेकर के आई और ये पॉलिटिकल कमिटमेंट का एक जीता जागता एग्जाम्पल रहा है कि उन्होंने खुद से बोला कि हम एक आर लॉ लाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस का मैकेनिज्म हो इस आर एक्ट में अमेंडमेंट दो में किया गया और इसके बाद आर को रिलेटिवली थोड़ा सा वीक कर दिया गया ताकि बहुत सारे क्वेश्चन ना पूछे जा सके सरकार अपनी यथास्थिति इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे ऑफिशियल एक्ट रॉ से रिलेटेड बातें है ना सीक्रेसी से रिलेटेड बातें एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड बातें एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो गया कुछ चीजें जिसपे आप सवाल वैसे भी नहीं कर सकते हैं। वो जरूरी भी है कि एप्सल्यूट इंफॉर्मेशन uh, नाम की कोई चीज नहीं होती तो सरकार कई बार आप दस सवाल पूछ रहे होते हैं ना तो दो चार पांच सवाल को वो uh, फिल्टर आउट कर देती है बोल करके कि ये दिस इज दैट टू बी गिवन तो राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में टूल है एक नेसेसरी टूल है और इससे क्या होता है सिटीजन इंपावर्ड होते हैं और हमारे कंट्री में आरटीए फाइव में लाया गया पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है? है तो ये सारी चीजें हमारे पास पर इसका अभी तक जो यूजेज है ना सिर्फ दो परसेंट ही जनता करती है मतलब मान के चलो कि लगभग छ हजार आरटीआई एप्लीकेशन हर रोज लगते हैं छ हजार तुम कह सकते हो तो मतलब एक लाख अस्सी हजार तुम्हारे महीने के हो गए और बारह से तुम मल्टीप्लाई करते दो तो लगभग दो करोड़ दो करोड़ एप्लीकेशन हमारे कंट्री में डाले जाते हैं हर साल और पूरी जनता का मतलब समझ लो कि टू परसेंट ऑफ वन फोर्टी करोड़ कितना होता है कितना हुआ वन हमारे हमारी आबादी का दो परसेंट अट्ठाईस लाख कितना हुआ टू पॉइंट एट करोड़ आई थिंक टू पॉइंट एट करोड़ हुआ ना टू पॉइंट एट करोड़ लोगों ने अभी तक आज तक आर टी आई डाला है तीन करोड़ तीन करोड़ लोगों ने तो सोचो इसका मतलब कितना डिस्पैरिटी है बहुत सारे लोगों को आरटीआई के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है पता ही नहीं है ये बेसिकली होता क्या थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आरटीआई का सिस्टम कैसे वर्क करता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि एक आइडिया आपको लगे तो ये वेबसाइट रहे हैं हमने, मैंने में आपको बताया अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट दिया अथॉरिटी या तो संविधान के द्वारा बनाए गए या लॉ के द्वारा बनाए गए या किसी नोटिफिकेशन के द्वारा बनाए गए किसी इंस्टीट्यूशन के पास ही अथॉरिटी हो सकती है और पब्लिक इन नेचर मतलब पब्लिक सर्विस कर रही है वो तो पब्लिक अथॉरिटीज़ का एक लिस्ट है जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनका एक प्रॉपर लिस्ट है कि कौन कौन से आर टी तुम इन्हीं से थ्रू दिस पूछ सकते हो ये सारे आर ये स, तुम कह लो ये सारे पब्लिक अथॉरिटी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ टेली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन ये सब सरकार के दो अंदर जितनी चीज़ आ रही है ज़्यादातर ये सारे लोग प्रेसिडेंशियल सेक्रेट्रिएट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस राज्यसभा सेक्रेट्रियट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मतलब तुम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तुमको किसी से भी सवाल पूछना ये सारे पब्लिक अथॉरिटीज में आते हैं समझ रहे हो एक लिस्ट है प्रॉपर सारे जितने भी मिनिस्ट्रीज यानी स्टेट मतलब मिनिस्ट्रीज उस पब्लिक अथॉरिटी का हिस्सा होता है टोटल लगभग तुम देखोगे दो इतने लिस्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज हैं जो कि इस पोर्टल में अवेलेबल है इनसे सवाल किया जा सकता है थ्रू दिस आर ऑनलाइन ये ऑनलाइन समझ में आया ये सबसे पहले तो ये चीज़ समझो अब हम लोग देखते हैं कि भाई क्या है अब किस तरीके से तुम कुछ भी ये पूरे सिस्टम को देखो लैंग्वेज देख लो तो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है हमारे पास है ना अब ये तुमको एक बेसिक बेसिक बातें बताई गई हैं तुमने इंस्ट्रक्शंस रीड कर लिया सबमिट में चले जाओ तो ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म एक थोड़ा सा देखो तो इस तरीके से समझ में आता है ये किसका इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी डी जो सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम का जो भी ट्रेनिंग वेनिंग हम लोग देखते हैं सब DOPT करवाता है जो भी इसको हम लोग कहते हैं कार्मिक विभाग हिंदी में कार्मिक बोलते हैं और इंग्लिश में DOPT बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ग्रीवांश रिस्टल मिनिस्ट्री के ये अंदर एंड पेंशन मतलब एक पूरा एक मिनिस्ट्री है उसके अंदर में एक डिपार्टमेंट है जो कि इससे डील करता है अब तुम कैसे भरोगे तो तुमसे पहला सवाल आएगा तुम किससे सवाल पूछना चाह रहे हो तो तुम सेलेक्ट करो मिनिस्ट्री मान लो कि तुमको पूछना है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से पूछना है ठीक है तुमने सेलेक्ट कर दिया कोई स्पेसिफिक पब्लिक अथॉरिटी इसके अंदर कौन है जहाँ पर भी मान लो कि तुम उड़ीसा में किसी को चाह रहे हो भुवनेश्वर में सेंट्रल पोल्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन भुवनेश्वर ठीक है कर दिया अपना डिटेल दे दिए कि क्या क्या तुम्हारा ई मोबाइल नंबर ईमेल आई दे दिए नाम दे दिए जेंडर जेंडर में भी देखो यहाँ पे एक थर्ड जेंडर का कॉम्पोनेंट है एक तरीके से ये इंक्लूसिव है मेल और फीमेल के अलावा एक थर्ड जेंडर का भी कॉम्पोनेंट यहाँ पे अवेलेबल है तो ये हम लोग ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़े हैं कि क्या है अपना एड्रेस दिया तुमने ये सब दिया स्टेटस कहाँ से हो रूरल से अर्बन से हो कहाँ से किस स्टेट से हो वो दे दिया एजुकेशनल स्टेटस लिटरेट इलिटरेट है ना फोन नंबर दे दिया सिटीजनशिप ये सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप ही आर एप्लीकेशन डाल सकता है तो ये सवाल टिपिकली मतलब रिडनडेंट <coughs> है क्योंकि जब सिर्फ इंडियन सिटीजन ही आरटीआई बन सकते हो तो फिर अदर का क्या ज़रूरत क्या तुम पॉवर्टी लाइन के नीचे हो अगर तुम पॉवर्टी लाइन के नीचे हो यस हो तो तुमको बीपीएल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या फ़ायदा होगा उससे फ्री में तुम आरटीआई ऑनलाइन कर सकते हो और अगर तुम गरीब बी के ऊपर हो नहीं हो तो तुमको दस रुपया चार्ज करेगा दस रुपया यानी फ्री नहीं है में हो सकता है कहीं एक स्टेटमेंट दे दे इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो दिमाग में रखना होगा कि बीपीएल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बाकी लोगों के लिए दस रुपये लगता है जो भी चीज़ है तुमने अपना जो भी आर टी एप्लीकेशन वगैरह दिया उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब सबमिट करो चूज अ फाइल जो भी तुम साबित करना चाहते हो या तुम्हारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी हैं वहाँ पर डालो कैप्चर डालो पेमेंट करो आर चला जाएगा ये एक मैकेनिज्म है आर को इस तरीके से सिस्टम लगता है अब यहां पे तुम देख रहे हो हम लोग सिर्फ एक वेबसाइट के थ्रू जो जो इंफॉर्मेशन आ सकता है हम लोगों के पास वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे देखो सबमिट रिक्वेस्ट हो गया सबमिट फर्स्ट अपील फर्स्ट अपील का भी मैकेनिज्म है एक सेकेंड अपील का भी मैकेनिज्म होता है दो अपील्स का मैकेनिज्म होता है अब क्या है तुमने ये आर भर दिया और आर टी आई में जाकर के उस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी के उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से जाकर के तुमने सवाल कर दिया कि भाई मेरे को लगता है कि ये घपला हुआ है यहाँ पे ये यह सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इंक्वायरी हो या एक डॉक्यूमेंट्स आप हम लोग से सबमिट करें कि ये इतना पैसा जो आवंटित किया गया था इतना पैसा जो दिया गया था आपके विभाग को उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हुआ है आप मुझे उसका एक लेखा जोखा या ब्यौरा दीजिए अब वो व्यक्ति आपका देखेगा आर टी आई एप्लीकेशन वो आपको उस पर्टिकुलर विभाग में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करेगा ये सारी चीजें हैं आपको वो इन्फॉर्मेशन मिला पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन अधूरा है या वो इंफॉर्मेशन सही से नहीं दिया गया है तो फिर आप फर्स्ट अपील में जा सकते हैं और फर्स्ट फर्स्ट अपील अपील में में हम लोग देखते हैं कि में उस चीज को अगर अधूरा है तो उसी का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अब इसको ऐसे समझना जो अभी मैं तुमको बताने जा रहा हूं इसका स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है वो मैं दिखा देता हूं थोड़ा अब मान लो कि ये इंडिया है हर एक स्टेट हर एक स्टेट ये मान लो सारे स्टेट हर एक स्टेट में ना एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा एस आई सी सिस्टम और आर्किटेक्चर समझ जाते हैं कहानी तुमको वहां पे समझ में आ जाएगी किसी भी चीज़ का ना उसको डिकन्स्ट्रक्ट कर दो डी मतलब उसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ब्रेक डाउन कर दो और हर एक छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या इश्यूज है उसको समझ जाओ वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ये एकदम बेसिक फंडा मैं बता रहा हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी मान लो ये एस है तो ये मान लो ये उड़ीसा का इंफॉर्मेशन कमीशन उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए जो स्टेट में लाइक like कर रहा है वो इंफॉर्मेशन उसके पास रहेगा इसमें तुम्हारा एक स्टेट का जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो वो रहेगा और उसके साथ कम से कम दस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहेंगे पूरा एक यूनिट है एस आई सी तो उस वो आपके उस इंफॉर्मेशन की, की जवाबदेही के लिए जिम्मेदार रहेगा अब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको उस जिस इंफॉर्मेशन से लिए हो वहां पे उसके एक पीआईओ होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिस भी विभाग में तो सबसे पहले तो हर एक स्टेट में क्या होगा एक एसआईसी होगा क्या होता है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उसके अंदर कौन होगा एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा और दस इंफॉर्मेशन तो 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 ऑफिसर्स की बात हुई इसके इसके अलावा तो भी भी अगर तो वो पब्लिक अथॉरिटी है तो वो पब्लिक अथॉरिटी आपको इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी इस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की है ये आपको इंफॉर्मेशन देगा सही सही इंफॉर्मेशन देगा देने की कोशिश करेगा पर अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन अधूरा है सही नहीं है टाइमली नहीं दिया गया है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं फर्स्ट अपील में और फर्स्ट अपील में यहीं पर एक पी होगा जो उसके सीनियर होगा वो आपको वो जवाब देने की कोशिश करेगा सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा मान लो उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड अपील में ये पूरा मैटर चला जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास सीआईसी ये तो हर एक स्टेट का हो गया बीच में एक सेंट्रल वाला भी बैठा हुआ है इसको कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसमें भी आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन एक कमिश्नर बैठा रहेगा और उसके साथ दस कम से कम इंफॉर्मेशन कमीशन ये ये सेंट्रल लेवल पे जी बात समझ में आई जैसे हर एक स्टेट में एक सीएम होता है और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उसके और फिर एक दिल्ली में बैठा हुआ एक दिल्ली भारत की सरकार होती है ठीक उसी तरीके से इसका मैकेनिज्म भी ऐसा होता है

फाइड नहीं है तो फर्स्ट अपील करेंगे अभी भी मा, मामला वो, ने, वो, ने, वो में ही है सेकेंड अपील में वो मैटर सी के पास चला जाएगा जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये बात समझ ये स्ट्रक्चर होता है हालांकि एक प्रोविजन है आर एक्ट में कि अगर तो इंफॉर्मेशन जो आपको दिया गया है वो अधूरा है या इंफॉर्मेशन गलत है तो उस पर उसको पीनालाइज किया जा सकता है पच्चीस हजार रुपए का फाइन दिया जाएगा पर हम लोग देखते हैं कि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है इसको कि पीनलाइज किया जाता है ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं आइडियल स्ट्रक्चर है आइडियल स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर और रियल फंक्शनिंग में जमीन आसमान का गैप होता है बी नो कि झारखंड में कोई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ही नहीं जमाने से नहीं है दिखाता हूं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं झारखंड इंफॉर्मेशन कमीशन हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है झारखंड इंफॉर्मेशन कमीशन डिपंक फॉर थ्री इयर्स तीन साल से कोई है ही नहीं मोर देन सिक्सटीन थाउजेंड अपील एप्लीकेशन आर पेंडिंग फॉर हियरिंग इन झारखंड इंफॉर्मेशन

है ना ये वैकेंसी है तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कोई हिसाब किताब ही नहीं है कोई इंफॉर्मेशन कोई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है वहां पर तो ऐसे बहुत सारे लूपहोल्स हैं जो हम लोग देखेंगे अभी के टाइम बात समझ में आ रही है तो आरटीआई कैसे फंक्शन करता है आपको समझ में आया तो हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं और पहले तो ये देखते हैं कि आरटीआई से रिलेटेड क्या सवाल पूछा है यूपीएससी ने रीड कीजिए चंद्रे का दो हजार अठारह में 10 मार्क एक क्वेश्चन पूछ दिया आरटीआई से जुड़ा हुआ सवाल एक पूछ दिया और इसी तरीके का एक सवाल और है डिस्कस द अंडरलाइंग इश्यूज रिलेटेड टू आरटीआई एक्ट एंड हाउ दे आर रिजोल्ड क्या क्या इश्यूज हैं आरटीए एक्ट में और उनका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है हम, हमने कुछ इश्यूज आपके सामने अभी डाला कि भाई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है तीन तीन साल से वेकेंट पड़ा हुआ है हम लोग यहां तक देखते हैं कि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2012 से एनुअल रिपोर्ट ही नहीं बनाया है हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि एनुअल रिपोर्ट बनाए एनुअल रिपोर्ट ही नहीं बनाए 2019 के बाद कोरोना के टाइम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिफंक थे अब आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी पब्लिक हॉस्पिटल के बारे में कि क्यों नहीं सीट्स अवेलेबल हैं क्यों नहीं हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं क्या हुआ रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों नहीं अवेलेबल है अवेलेबल है सबके लिए क्यों होता है वो महंगा ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आप लोगे ये इंफॉर्मेशन आप आर से ही तो निकालोगे आम जनता को क्यों साठ में मिल रहा है एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो भी समझ रहे हो या ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों नहीं अवेलेबल है ये सब बेसिक क्वेश्चन है सिटीजन जो पूछेगा किससे पूछेगा ये तो ऑलरेडी डिफंक्ट बैठा हुआ है आपके पास चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है एक एक्टिंग सीआईसी था वो रिटायर कर गया 2020 में आप फुल कैपेसिटी में काम ही नहीं कर रहे हो आपको 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर दिया गया आप 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर लेकर के बैठे हुए उसमें भी काम ठीक से नहीं हो रहा है आधा दूर इन्फॉर्मेशन मिल रहेगा ज़्यादातर आरटीआई का जवाब तक नहीं आपको देगा कोई ना कोई रीजन देकर के आपको कोई विभाग जवाब नहीं देगा बोलेगा कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन लिखे हो उसका फॉर्मेट सही नहीं है तुम जो इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो वो हम लोगों के पास है ही नहीं वापस कर देगा पीएमओ से कई बार सवाल पूछा गया है भाई बताओ उसका क्या हुआ पीएम रिलीफ फंड का पैसा कहाँ गया किधर इस्तेमाल हो रहा है तो पीएमओ क्या बोलेगा कि ये पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं तुमको तुमको क्या लेना देना पी एम रिलीफ फंड में क्या हुआ पैसे? इस पे बहुत लंबा डिबेट चला है जुडिशरी में कि वो पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं ये साबित करने में बात समझ में आ रहा है जब तुम सवाल पूछते हो ना सरकार से तो तुम एक बात समझो तुम आरटीआई एक्टिविस्ट हो जाते हो और आरटीआई एक्टिविस्ट लोग मारे जाते हैं बहुत बहुत आरटीआई के बारे में तुम आटे एक्टिविस्ट बाय मॉब आरटी एक्टिविस्ट को कोई गोली मार के चला गया आसान है क्या तो लोग भी बोलते हैं छोड़ो यार हम कौन सा आरटीआई ये सब इश्यूज है डेटा बेस बात करते हैं डेटा बेस बात करते हैं ना कॉमन ह्यूमन राइट इनिशियेटिव है ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं जो आपको बताते हैं बहुत सारे आर वालों का डेथ का, का जो डेथ हो जा रहा है वो क्यों हो जा रहा है क्यों मार दिया जा रहा है इन द पास्ट एलेवन ईयर ये तो वो है जो जो रिकॉर्डेड है टेन आर टी आई एक्टिविस्ट किलो असोल्टेड कोविड लॉकडाउन टेन आर टी एक्टिविस्ट किल्ड और सिंस कोविड लॉकडाउन इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी नो वन केयर बहुत लोगों को मार दिया जाता है तुम सवाल से आरटीआई एक्टिविस्ट होना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि तुम गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हो तो बहुत सारे इश्यूज हैं आरटीआई एक्टिविज्म में बात समझ में आ रही है तो ये सब इश्यूज के बारे में हम लोग देखेंगे सवाल करने की कोशिश करेंगे और आरटीआई से तुम क्या कर रहे हो ट्रांसपेरेंसी ला रहे हो और अकाउंटेबिलिटी को एस्टैब्लिश कर रहे हो और यही सवाल 2018 में पूछ दिया ये सवाल आप लिख लीजिए पहले यूपीएससी के क्वेश्चन उसको स्टार मार्क करके आर एस से जुड़ा हुआ सवाल को लिख लीजिए कहाँ कहाँ पर क्या, क्या सवाल पूछें ये दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए नहीं अभी वही चीज है कि आरटीआई एक्टिविस्ट और विटनेस प्रोटेक्शन इन दोनों को लेकर के जो स्ट्रांग होना चाहिए जैसे आप आरटीआई एक्टिविस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू ही में सोचिए जो मान लीजिए को कोई एक व्यक्ति है जो कि कोई एक इंसिडेंट हुआ उसका विटनेस है वो विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी इतने स्ट्रांग नहीं है उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना या उसको प्रोटेक्शन देना ये सारे अभी भी ठीक से फॉलो नहीं होते हैं जी नहीं समझा जोर से बोलिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया है ना विटनेस प्रोटेक्शन जो आपके जो विटनेस हैं ब्लोअर्स ब्लोअर्स हो गए एक्टिविस्ट कोई ब्लोअर आप कह है सकते हैं मतलब स्पेसिफिकली नहीं ब्लोअर कोई भी हो सकता है आप एक कंपनी में काम कर रही हैं आपको पता है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स हो रहा है आपने उसके लिए आवाज उठा दिया तो आप विसल ब्लोअर हो गए आरटीआई एक्टिविस्ट होना कोई एक नहीं है आप एक अगर विजिलेंट सिटीजन हैं और आप चीजों से अवगत रहना पसंद करते हैं तो आप आरटीआई हो सकते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बन सकते हैं ज्यादातर पत्रकारिता करने वाले लोग या जो जर्नलिज्म करने वाले लोग एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो ग्राउंड लेवल पत्रकार होते हैं खोजी पत्रकार रिपोर्टर टाइप के लोग होते हैं वो लोग ही होते हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं या लॉयर्स लॉयर्स एक्टिविस्ट होते हैं इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हो सकता है जैसे एमसी मेहता का केस आपने सुना होगा एमसी मेहता एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी थे उन्होंने ही तो आरटीआई वगैरह और बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया पीआईएल के थ्रू पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो भी चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट के हित से जुड़ी हुई है उसको अचीव करने का मैकेनिज्म आर टी आई के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं तो हमारे देश में ना ये चीज़ को लेकर के इतना प्रोटेक्शन नहीं है अच्छा कौन कौन विटनेस होगा कोर्ट में आपको पहला एक प्रायर इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है ताकि उसी हिसाब से आपका जो अपोजिट वकील है जो वो वो प्रिपेयर करे अपने मैटर को लास्ट मोमेंट में अगर आप किसी को छुपाने की कोशिश करें लास्ट में की कोशिश करें तो हो सकता है वो रेस कर दिया क्वेश्चन इसके बारे में मुझे पहले बताया क्यों नहीं गया क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं, नहीं दिया गया तो आपको उसका आइडेंटिटी को रिवील करना पड़ेगा और आइडेंटिटी रिवील हो गया तो मतलब दो हेयरिंग के बीच का जो हिसाब किताब होता है उसमें वो निपट जाएगा कई बार समझ में आ रहा है तो बड़ा दिक्कत है अगर आप या फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हॉस्टाइल टर्न कर जाएगा अभी वो बोल रहा है अगली इंग में बोलेगा कि नहीं मैंने तो कुछ देखा ही नहीं कुछ सुना ही नहीं मुझे तो पता ही नहीं मुझ पर तो मुझे मजबूर किया गया ये बोलने के लिए समझ में आ रहा है तो इंडिया में इसलिए जुडिशल जस्टिस सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये बात समझ में है? अभी सवाल को तुम ब्रेक डाउन करोगे इज नॉट ऑल अबाउट सिटीजन्स एम्पावरमेंट अलोन सिर्फ ये नहीं है कि सशक्तिकरण के सिटीजन्स के लिए ये वो तो है ही वो तो है ही आरटीआई से वो हो रहा है बट एक तरीके से पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने के लिए एक मैकेजम है आप बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ सिटीजन बल्कि स्टेट भी तो ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन है मतलब कंफ्यूज मत हो जाना ये क्या सवाल पूछ रहा है एक थीम याद रखो आरटीआई पढ़ रहे हो मतलब गुड गवर्नेंस गुण का एग्जांपल है आरटीआई पढ़ रहे हो मतलब सिटीजन सवाल पूछ रहा है आरटीआई पढ़ रहे हो मतलब सरकार जवाब दे रही है और उससे अकाउंटेबिलिटी सेटअप हो रही है बेसिकली तुमसे ये पूछ रहा है कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनका सोल्यूशन जा सकता है बस सवाल जो भी पूछे जवाब तुम्हारा एक ही रहना है थोड़ा सा प्लस माइनस करके कॉपी पेस्ट कर देना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस ये टोन और टेनर पकड़ो सवाल कैसे पूछ रहे यूपीएससी चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है यूपीएससी आपको थीमेटिक पढ़ाई करनी पड़ेगी थीम मतलब क्या एक ब्रॉडर थीम एक साथ सारा पढ़ जाओ अब जो भी ट्विस्ट ऊपर नीचे मिक्स करना है दायम है वो तुमसे करके पूछेगा और तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो सवाल के तो ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा ठीक है तो कुछ ले लेते हैं हम लोग जो भी तक इतना हम लोगों ने पढ़ा लिख लीजिए आरटीआई एक्ट वॉज पास्ड वॉज पास्ड ऑन फिफ्टींथ जून टू थाउजेंड फाइव Two thousand five and it came fully in force and it came fully in force in force I N F O R C in force on twelfth October two thousand five on twelfth October two thousand five next bullet point. every day around 6000 applications are filed every day around 6000 applications are filed every day around 6000 applications are filed इससे पहले एक एक्ट था जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट देखो वर्ड्स को समझो एक है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और एक है आरटीआई राइट दोनों में डिफरेंस होता है right. तो इससे पहले क्या था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट तो लिख लीजिए इट रिप्लेस्ड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 ठीक है अब देखो एक्ट तो ये सबसे पहले 2002 में बना उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना पर उससे पहले क्या हिसाब किताब था उससे पहले कोई लॉ नहीं था अब लॉ लाने के लिए या कोई भी चेंज लाने के लिए सोशल रिवोल्यूशन लाने के लिए या कोई सोशल एक नेरेटिव क्रिएट करने के लिए तुमको जरूरत पड़ती है आम जनमानस की तुमको जरूरत पड़ती है एन की तुमको जरूरत पड़ती है प्रेशर पुट करने के लिए ऐसी एजेंसीज की जैसे फार्मर एजेंसीज हो गया बिजनेस एजेंसीज हो गए इन सब की जरूरत पड़ती है तो हम लोग देखते हैं ऐसे ही तुम्हारा एक मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम करके एक एनजीओ था जिसने सबसे पहले ये बात पुश की राजस्थान में कि हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए इसके थ्रू हम सरकार से सवाल जवाब कर सके तो एनजीओ क्या है एक प्रेशर ग्रुप या एनजीओ क्या है एक नॉन स्टेट एक्टर्स तो नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल एक नरेटिव क्रिएट करने में या तो सरकार से रेजिस्ट करने में या सरकार के साथ काम करने में इसका अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो मजदूर किसान अब मजदूर मतलब क्या लेबर किसान मतलब क्या फार्मर यानी लेबर्स और फार्मर्स का मिल करके शक्ति मतलब क्या पावर संगठन मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन ये मिल करके जो है लोगों को मोबिलाइज किया और बोला कि भाई हम लोगों के पास होना चाहिए ऐसा राइट टू इंफॉर्मेशन तो पहले स्टेट में आया ये राजस्थान में धीरे 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 धीरे, धीरे। फिर फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट पूरे कंट्री में और लास्ट में आर एक्ट पूरे इंडिया में आया तो ये लिख लीजिए मजदूर किसान शक्ति संगठन विच इज एन एनजीओ अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है फोर्स द स्टेट गवर्नमेंट समझ रहे हो स्टेट गवर्नमेंट पे फोर्स किया यानी प्रेशर लगाया यानी ओज कैन ऑल्सो एक्ट एज द प्रेशर ग्रुप समझ में आ रहा है यानी एनजीओ का काम सिर्फ ये नहीं है कि सरकार के साथ काम करे वो तो करेगा सहकारिता में कोऑपरेट करेगा उसके साथ बट उस पर वो प्रेशर भी लगाता है मोबिलाईज करता है रिसोर्सेज को और एनजीओ बहुत सारे तुम देखोगे ना पॉलिटिकल पार्टीज के ये जी होते हैं एनजी एक बहुत बड़ा अड्डा है ब्लैक मनी को वाइट करने का यू विल शॉकड कि हर 400 लोगों पर एक एनजीओ है हमारे कंट्री में हमारे कंट्री में लगभग 30-40 लाख एन हैं क्या है भाई इतना इत, ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप का कुछ हो गया yeah. मतलब कुछ तो अच्छा चल रहा होगा कि इतने सारे नंबर्स में इसका मतलब यही है दे मशरूमिंग ऑफ एनजीओ टेकिंग प्लेस एनजीओ लोग इसलिए बनाते हैं कि अपना एक दिखाते रहे भाई हम समाज कल्याण में काम कर रहे हैं पर असल में देखा जाए तो एन को इसलिए बनाया जाता है कि रीराउटिंग ऑफ फंड किया जा सके एन के थ्रू पैसा लिया जा सके ये बहुत एकदम प्रैक्टिकल सत्य बात है फॉरन फंडिंग हो सके और एन जी दस तरीके का काम करती हैं राइट फ्रॉम रिलीजियस प्रैक्टिसज में अपना रोल प्ले करके इन्वामेंट से रिलेटेड बात करके है ना या आपका सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड इशूज़ में लेकर के भी एन अपना काम करती हैं शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए मिड डे मील स्कीम चलाने के लिए ऐसे बहुत सारे जो एनजीओ तो का क्या होता है? कि पैसा को ब्लैक एंड व्हाइट करने का मैकेनिज्म इसलिए हम लोग देखते हैं इसको फॉरेन फंडिंग लेने पर एफ मैकेनिज्म लगता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट मतलब अगर एक एनजीओ मैं इंडिया में रख रहा हूँ और उसका कहीं से भी पैसा बाहर से आ रहा है इंडिया के बाहर से कोई पैसा फंडिंग कर रहा है उस एन को तो उसको पहले होम मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट चाहिए होगा लाइसेंस चाहिए होगा होम मिनिस्ट्री लाइसेंस देती है एन को फॉरेन फंडिंग लेने के लिए और अगर फॉरेन होम मिनिस्ट्री को ये लगेगा कि भाई इसका इस्तेमाल वो गलत तरीके से कर रहा है धर्मांतरण करने के लिए या फिर कोई और तरीके से जिससे कि भारत के हित या भारत की जो एक समृद्धि है या उसकी जो पॉलिसीज है उसको इम्पैक्ट कर रहा है या सरकारी काम में किसी तरीके का रुकावट डाल रहा है तो हो सकता है उसका लाइसेंस वो कैंसिल कर दे और करता भी है किया भी है कर रहा भी है इसमें सरकार डिस्क्रिमिनेटरी मैकेनिज्म भी लगा सकता है कुछ एन बड़े बन जाते हैं अगर सरकार का साथ उसको मिल जाए तो एमएनसीज तक बन जाते एमएनसीज ये एनजीओ चल के मल्टीनेशनल भी हो जाता है और कुछ एनजीओ हैं जो सांस लेने तक के लिए पैसे नहीं है उनके पास बात समझ में आ रही है तो एनजीओ कभी कभी बना अगर आपका सरकार के साथ ठीक ठाक है और सरकार को आप ठीक रख रहे हो अच्छे से तो एनजीओ को प्रमोट भी कर सकता है मान लो तुमने एक एनजीओ खोला और आपने एक एनजीओ खोला आपने साथ ही में खोला पर आपके गुड टर्म्स हैं दस साल सरकार रही दस साल में एनजीओ लीप्स एंड बाउंड से बढ़ गया अब हो सकता है कि आपकी सरकार से अच्छा है आप एक बड़ी कंपनी बन गए वो हो सकता है कि उनके पास खर्चे चलाने के लिए भी एन का पैसा नहीं है तो एन का इस्तेमाल भी गलत तरीके से किया जाता है जो कि हम लोग देखते हैं कि जिसकी वजह से मशरूमिंग ऑफ एन हो जाता है पर एन का असल पर्पज क्या है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल होता है सरकार जहाँ जहाँ नहीं पहुंच पाती वहाँ पे एन जी पहुँचते हैं एन के पास इतने सारे डेटा होते हैं रोड डोर टू डोर जा करके वॉलेंटियर्स के थ्रू जाकर के गांव में काम करवा रहा होता है गांव में जाके लोगों से मिल रहा होता है उसके पास डेटा होता है और सरकार को चाहिए डेटा इलेक्शन टाइम में क्या काम करता है कौन कहाँ से क्या वोट मिलेगा भाई उसका क्या कास्ट है उसका क्या रिलीजन है उसका क्या रिलीजियस एफिलियशन है वो सब डेटा अगर सरकार के पास आ जाए तो उसी हिसाब से वो अपना मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करेगा उसी तरीके से वो रीच आउट करेगा तो एन बहुत सारा सरकार के साइड में भी रहती है सरकार को तो इलेक्शन जीतना है ना भाई पाँच साल पे तो जो भी उसके साथ है और कुछ एनजीओ होते हैं जो सरकार के अगेंस्ट एज एज एन एक्टिविस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं तो देखो ये मजदूर किसान संगठन क्या है एक ऐसा एनजीओ है जो फोर्स कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को किस चीज के लिए कि आप एक एक्ट लेकर के आइए बात समझ में आ है एनजीओ कैसे फंक्शन कर अब यहीं पे हम लोगों ने हल्का फुल्का एनजीओ के बारे में भी पढ़ लिया कल को अब एनजीओ का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें दिमाग में रहेंगी तो आसानी होगा चीजों को समझ ये बात समझ में आई नेक्स्ट लिखिए तो एक पर्टिकुलर केस केस लॉ लिख लीजिए इन कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कोऑपरेशन केस एक स्टामा करके ये लिख लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस

देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है आपको अभिव्यक्ति की आजादी आप क्या बोलना चाहते हैं अब आप वो कैसे बोलोगे या आप बोल रहे हो तो उसका आधार क्या है उसका बेसिस क्या है आप लिख के बोल सकते हो आप पेंट करके बोल सकते हो आप खामोश रह करके अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हो मतलब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो उसके लिए तो इंफॉर्मेशन चाहिए ना अब आरटीआई एक फंडामेंटल राइट right है ऐसा कहीं नहीं लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू बहुत सारा इंटरप्रिटेशन किया तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में में कुलवल वर्सेस जयपुर कॉर्पोरेशन केस सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला कि भाई ये जो राइट right टू है ना वो एक राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपका आर्टिकल उन्नीस में उसके अंतर्गत वो इम्प्लिसिटली इसको हम लोग एक फंडामेंटल राइट right के तौर पर देख सकते हैं या मान सकते हैं इसको इम्प्लिसिटली जैसे कि आपका फ्रीडम ऑफ मीडिया कहीं पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो हिस्सा है बट इम्प्लिसिटली मीडिया का इंडिपेंडेंट होना आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ठीक है तो यही बात बोल रहा है इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर केस में तो ये याद रखिएगा इसको पोस्ट कर लीजिए यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है अब ये बड़ा सिंपल है ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑब्जेक्टिव्स ये है कि सिटीजन एम्पावर हो ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रांसपेरेंसी है अकाउंटेबिलिटी है तो दो चार पॉइंट है उसको लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है तो लिख लीजिए चार बुलेट पॉइंट में इसको लिख लीजिए क्या होगा इससे सिटीजन एम्पावर होंगे क्या होगा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी क्या होगा करप्शन कंटेन होगा क्या होगा पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा पीपल का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा वो पूरा सर्कल मैंने आपको बताया पी आई एल आर टी आई एक्टिविज्म पब्लिक इंटरेस्ट एक एक विजिलेंट विजिलेंटीजनी सिटीजनरी का एग्जाम्पल ये सब क्या बना रहा है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस में आपकी भागीदारी को बढ़ा रहा है बस ये इसलिए रखो क्योंकि आपसे अगर टेन मार्केट या फिफ्टीन मार्केट कुछ रख दे तो ये पांच छह बुलेट पॉइंट डाल देना करप्शन आरटीआई का क्या काम होगा इंफॉर्मेशन सीख करोगे आप बोलोगे सरकार से सवाल पूछोगे भाई ये जो प्रोजेक्ट इसको दिया गया टेंडर इसको दिया गया इसको क्यों दिया गया या ये जो किया कितना पैसा खर्च हुआ मुझे इसका हिसाब किताब दो वो देगा तो डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आपको पता चलेगा फिर आप अकाउंटेबिलिटी होल्ड करोगे कि नहीं उसको करप्शन ही तो हुआ पार्टिसिपेशन कैसे होगा वो हिसाब किताब तुम देखो दिमाग में पी आई एल एक्टिविज्म एक्टिविज्म होगा तो क्या होगा लोग पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं एक्टिविज्म होगा तो क्या होगा सोशल ऑडिट होगा कि नहीं सोशल प्लस फाइनेंशियल ऑडिटिंग होगी आपके पास कागज आ गया सरकार की तरफ से भाई इतना पैसा हमने खर्च किया इस स्कूल को बनाने के लिए आपने मांगा कि मुझे दो डॉक्यूमेंट ये जो आपने स्कूल के लिए दस करोड़ रुपए आवंटित किया गया था वो स्कूल का मुझे हिसाब किताब दीजिए कैसे मांगा आरटीआई करके मांगा आपके पास वो इंफॉर्मेशन आया आप बैठे चार लोगों को दो वकील को चार और लोगों को एनजीओ वालों को बैठाया गांव के लोगों को जहां पे वो स्कूल बनना था उसको बैठाया साथ में बैठा और जाकर के एक हलफनामा दिया एक एप्लीकेशन दिया डीएम ऑफिस में ये इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए और बी डी साहब को आप भेजिए हम लोग ऑडिटिंग करने आए हैं इस स्कूल का क्या है ट्रांसपेरेंसी कागज़ की बेसिस पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ी बुलाया बैठ के ऑडिटिंग किया ऑडिटिंग में पता चला कि भाई कुछ हेर फेर हुआ है अकाउंटेबिलिटी हुआ क्या कि केस फाइल किया करप्शन के चार्जेस लगाए मामला आगे बढ़ा अकाउंटेबिलिटी से डिफाइन हुआ जिसको जो भी कार्रवाई की, की जाएगी जेल जिसको भेजा जाएगा जेल जाएगा बात समझ में आ रही है तो ऐसे पूरा सिस्टम बनने का जो बेसिस है ना आपका ठीक ठाक रोल प्ले कर लेता है इज इट क्लियर अब हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट के क्या क्या थोड़े फीचर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया थोड़ा बहुत सेक्शन के तौर पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें बेसिक चीज है तो देखो कुछ कुछ सेक्शंस हम जो जरूरी हैं वो ही पढ़ेंगे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले पब्लिक अथॉरिटी क्या है कैसे पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन होता है इसके बारे में बात करता है सेक्शन क्लॉज एच ठीक है हमने अभी आपको ऐसे पब्लिक अथॉरिटी से आपको आरटीआई ऑनलाइन जिसके बारे में हमने दिखाया है. अब सवाल उठता है पब्लिक अथॉरिटी के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है तो सेक्शन टू क्लॉज एच ऑफ व्हाट एक्ट इसके बारे में बात करता है पब्लिक अथॉरिटी वो है जिसका फॉर्मेशन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा किया गया हो किसी लॉ के द्वारा किया गया हो किसी नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया हो पर उसके बनने का अथॉरिटी उसको कौन देगा अथॉरिटी उसको कोई लॉ ही दे सकता है अगर आप में से जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे से आपको याद होगा मैंने आर्टिकल थर्टीन में एक्सप्लेन किया लॉ क्या है लॉ क्या हो सकता है ठीक है इसके बारे में हम लोग आर्टिकल थर्टीन में पढ़ते हैं इट कैन बी नोटिफिकेशन इट कैन बी इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बाय लॉज का जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा पर कोई दिक्कत नहीं है जो उन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं ऐसी चीज का अथॉरिटी अथॉरिटी तभी आएगी जब आपको कोई संवैधानिक प्रक्रिया के थ्रू आपको डेजिग्नेट किया जाएगा वो चीज़ देखो पावर और अथॉरिटी में फ़र्क है दोस्त याद रखना ये चीज़ हो सकता है कि कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन है उसके पास पावर है उसके पास अथॉरिटी नहीं है तुम एसपी हो तुम्हारे पास पावर भी है, तुम्हारे पास अथॉरिटी भी है बात समझ में आ रही है अथॉरिटी का जो बेसिस होता है ना वो हमेशा संविधान या कुछ लॉ होता है कल को हो सकता है कि वो डॉन तुमको कॉल करके बोले कि भाई पैसा चाहिए मेरे को दो करोड़ वरना उड़ा दिया जाएगा अभी तो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत सारा केस चल रहा है <laughs> उसके पास तुम कह सकते हो कि पावर है पर उसके पास अथॉरिटी नहीं है अथॉरिटी तब आएगी जब कुछ संवैधानिक प्रक्रिया या किसी कानून के अंतर्गत तुमको कोई चीज और पब्लिक क्यों है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम एट लार्ज तो ये पब्लिक अथॉरिटी से तुम सवाल पूछ सकते हो अब सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी हम लोग सवाल पूछ सकते हैं जैसे एयरटेल हो गया एक्सिस बैंक हो गया ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स है तुमको कोई सवाल पूछना है उससे तो ये सब किसी एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हेड के अंदर आते हैं सारे आरबीआई आरबीआई आर क्या है पब्लिक अथॉरिटी है एयरटेल Jio ये सब क्या प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर आएगा ट्राई ट्राई के अंदर आएगा ट्राई उसको रेगुलेट करेगा जीरोधा हो गया ग्रो हो गया किसके अंदर आएगा तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज में जो जो चल रहे से, से के अंदर आएगा रिगार्डिंग द पॉइंट पर ये जो स्पेसिफिकली पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे तुम डायरेक्टली थ्रू सेक्शन टू क्लॉज एच ये तुम पूछ सकते हो इसके बारे में सेक्शन टू क्लॉज एच बात क्लियर तो लिख लो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सबसे पहले लिखो सेक्शन टू क्लॉज एच सेक्शन टू क्लॉज एच टॉक्स अबाउट पब्लिक अथॉरिटी टॉक्स अबाउट पब्लिक अथॉरिटी विच टॉक्स अबाउट पब्लिक अथॉरिटी दैट इज एनी इंस्टीट्यूशन दैट इज एनी इंस्टीट्यूशन established established by or under constitution by or under constitution or through any law or through any law or by any notification or by any notification और बाई एनी नोटिफिकेशन बाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी यह बात करता है सेक्शन टू क्लॉज एच अब एक बार यह डिफाइन हो गया कि तुम पब्लिक अथॉरिटी हो तो तुम्हारे ऊपर एक बैठा दिया जाएगा पीआईओ

किस किस चीज का इन्फॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो तो इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल जैसे कि वो रिकॉर्ड हो सकता है डॉक्यूमेंट्स हो सकता है मेमोज हो सकता है ई हो सकता है कोई ओपिनियन हो सकता है कोई एडवाइस हो सकता है पूरा लिखने की जरूरत नहीं है जो बस प्रेस रिलीज हो सकता है सर्कुलर हो सकता है ऑर्डर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है रिपोर्ट हो सकता है डेटा मटेरियल हो सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या कोई भी चीज एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी ये सब आपका इंफॉर्मेशन में आएगा तो ये जो प्राइवेट बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन एक्सेस कर रहा है पब्लिक अथॉरिटी एक्सेस कर रहा है कैसे कर रहा है क्योंकि वो प्राइवेट बॉडी उसके अंदर रजिस्टर्ड आरबीआई बैंक को रजिस्टर करा हुआ है लाइसेंस देता है उसको हाँ अब अगर तुम ये पूछोगे उस प्राइवेट बॉडी से भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या है थम्सअप में क्या डालते हो में क्या डालते हो तो वो बताने के लिए वो बाध्य नहीं है क्योंकि वो उसका ट्रेडमार्क हो सकता है वो उसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हो सकता है वो नहीं बताएगा वो ये बता देगा कि पानी कहाँ से सोर्स करता है सेफ्टी इंग्रेडिएंट्स क्या, क्या 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 डाल रहा है बेसिक चीजें वो उसके बारे में मेंशन करेगा पर कुछ चीजों में उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि तो कॉम्पिटेटिव एज जो है वो खत्म ना हो हाँ सारे इंग्रेडिएंट्स अपना मेंशन करो पर तुमसे सवाल तो पूछा जा सकता है कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाला जा सकता तुम सोचो क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो कोई भी रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट्स कोई, कोई ऐसा लॉग बुक कोई सर्कुलर कोई ऐसा डेटा मटेरियल जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या किसी भी तरीके का फॉर्म में हो तुम आर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब वो इन्फॉर्मेशन पे तुम्हारा अधिकार है उसको तुम एक्सेस कर सक कर सकते हो तो नेक्स्ट सवाल उठता है कौन कौन सा इंफॉर्मेशन ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या प्राइवेट प्लेयर से ले जा सकते हो वहां ले जा सकते हो अगर वो उसको एक्सेस कर सकता है डेटा कोई पब्लिक अथॉरिटी तो बिल्कुल is it clear section 2 clause f which defines, which defines the word information section 2 clause f which defines the word information that is any material any material in the forms of emails emails records contracts contracts etc which can be accessed which can be accessed which can be accessed by a public authority which can be accessed which can be accessed by any public authority Clear? अब यह सब होने के बावजूद एक सेक्शन सेक्शन फोर भी डाला जाता है कि भाई पब्लिक अथॉरिटीज को चाहिए कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन वो पब्लिक डोमेन में सो मोटो खुद से ही दे सके उतना अच्छा है क्यों अपना टाइम वेस्ट करना कि तुमने सवाल पूछ रहा है भाई तुम एक सरकारी विभाग की एंटिटी हो तुम्हारे में एक जिम्मेदारी है कि तुम इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल लो तुम अक्सर देखोगे वेबसाइट में डाल देते हैं तुम जाओगे वेबसाइट में जो जो काम हुआ नोटिफिकेशन आया ये सब सब चीज़ वो डाल देना चाहिए टिपिकली मान लो नहीं डाला है तो तुम सीख कर सकते हो तो सेक्शन फोर क्या बोलता है कि तुम सुओ मोटो मतलब खुद ब खुद अपने से स्वेच्छा से स्वेच्छा डिस्क्लोजर कर दो इन्फॉर्मेशन का बाई ईच पब्लिक अथॉरिटी है ना बट ऐसा करता नहीं है कर देगा तो फिर मेरा रिलेवेंस क्या मेरा इंपॉर्टेंस क्या मेरे पास आओ मुझसे पूछो तभी तो मैं सरकारी कर्मचारी हूँ समझ में आ रहा है सेक्शन तो फोर क्या बोलते हैं मोटू डिस्कलोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन लिख लो सेक्शन फोर रिक्वायर्स टू मोटू डिस्कलोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी ठीक है वो चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम दे सको पर वहां पे भी एक लिमिटेशन है जिसके बारे में सेक्शन एट बात करते तुम जब सेक्शन फोर के बारे में पढ़ रहे हो सेक्शन एट के साथ मिला के पढ़ोगे सेक्शन एट क्या बोलता है भाई तो कुछ कुछ चीज़ों में तुमको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है तुमको एग्जामेशन दिया जाता है तुमको अगर उस बारे में कोई सवाल पूछा जाए तो तुम बाध्य नहीं हो कि तुम उसके बारे में कोई भी सवाल करो डिस्कलोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन को एक्जेंट किया जाता है कुछ चीज़ों में जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ठीक है ये ऑफिशियल ये तो है ही लेकिन फिर उसका कैवियट सेक्शन एट क्लॉज वन का एट पॉइंट टू में देगा नहीं तुम समझो कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो गया अगर नेशनल सिक्योरिटी है इकोनॉमिक इंटरेस्ट है फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन है इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम देने के लिए बात दे हो ये बात कर रहा है सेक्शन एट क्लॉज वन में सेक्शन एट क्लॉज वन में कुछ चीज़ों को एग्जेप्ट कर रहा है किस चीज़ें से इन्फॉर्मेशन देने से ठीक है तो लिख लीजिए पहले सेक्शन एट क्लॉज वन मेंशंस द एग्जेम्पन अगेंस्ट फर्निशिंग इट मेंशंस द एग्जैम्पन्स अगेंस्ट फर्निशिंग या गिविंग इंफॉर्मेशन अंडर आर टी आई अंडर कुछ ग्राउंड की बेसिस पर आपको रोकता है या आपको यह एक तरीके से एग्जामेशन देता है क्या क्या है वो चीज देख लीजिए नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ट्रेड सीक्रेट्स ट्रेड सीक्रेट्स foreign विथ relations स्टेट foreign स्टेट्स relations, relations विथ फॉरेन states. इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जैसे कि अटोमिक एनर्जी एक्ट 1962। अदर देन दीज जो हमने अभी बात किया इसके अलावा अटोमिक एनर्जी एक्ट 1962, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और कुछ प्रोविजंस आपके सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट में भी है सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एटॉमिक एनर्जी एक्ट एटॉमिक एनर्जी एक्ट इन चीजों में आपको सारे इंफॉर्मेशन दे वो अब एटॉमिक एनर्जी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आर्मी का इंफॉर्मेशन अभी मीडिया वाले जो सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं अभी है हमारे आर्मी हमारे जेट में ये सुविधाएं हैं ये सुविधा पाकिस्तान के पास नहीं है या तुम तो, तो सारा इन्फॉर्मेशन दे ही दो जैसे अगर मान लो अटैक कर रहा है अभी हम वहाँ से गुजरे हैं इधर पहुँचे अभी पाकिस्तान पहुँच के वहाँ पर हम लोग अटैक करने वाले हैं तो मीडिया वाले दे जाते हैं लेकिन ये इन्फॉमेसन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकता है हो सकता है कि सामने वाला उससे एडवांटेज गेन कर ले अभी मुठभेड़ चल रहा है अभी आतंकवादी वहां छुपे हुए हैं हमारी आर्मी यहाँ अब यहाँ से पूरा मैनेज कर रही है कंट्रोल कर करिए पूरा इन्फॉर्मेशन ही बता रही है अभी हम लोग एन जी ओस को ये, इसको भेज रहे एन एस जी को भेज रहे हैं बता दो तुम पूरा ना चिल्ला चिल्ला के पूरा स्कीम बता दो तो वाली चीज हो जाती है कि भाई तुमको कितना इंफॉर्मेशन बताना है कितना इंफॉर्मेशन नहीं बताना है तो कुछ कुछ चीज है टॉमिक इनर्जी क्यों बताएं भाई हम कि प्लूटोनियम यूज़ कर रहे हैं कि थोरियम यूज कर रहे हैं ठीक है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है एटॉमिक एनर्जी बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं तो इस सब इंफॉमेशन लेने की जरूरत नहीं है रॉक के बारे में तो कोई बताता है बात भी नहीं करता उसका कोई बजट वजट नहीं है बजट वजट कुछ पैसे वैसे वो वोटिंग और नॉट वोटिंग उसके बारे में कोई बात नहीं होती सीक्रेट मीटिंग्स किया जा सकता है उसके क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी की बात है उसी तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट साक्ट जो भी चीज़ें एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल हैं प्रीवियस सरकार की वो नहीं लेकिन हाँ ऐसा बोला जाता है कि सेक्शन एट क्लॉज टू फिर बोलता है ये सेक्शन एट क्लॉज वन की बात हुई तो सेक्शन एट क्लॉज टू भी ये बोलता है देखो भाई अगर तुमने जो भी ऐसे प्रोविजन है जो कॉन्फिडेंशियल हैं और मान लो कि उसमें कुछ टाइम गुजर गया है अब जैसे जे एफ कैनेडी जॉन एफ कैनेडी का एसासीनेशन हुआ है तो यूएस में क्या है कि भैया कोई भी चीज़ जो हुआ है पचास साल के बाद तुम उसको ओपन अप कर दो जो भी सीक्रेट्स सीक्रेट है सी का सीक्रेट्स है क्या वो वो डिपेंड करता है पर आम डोमेन में तो क्या फर्क पड़ा पचास साल गुजर गया सेक्शन एट क्लास टू बोलता है कि वो तुम एसेस कर लो अगर तुमको लगता है वो लार्जर उसके बताने से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो तुम उसको डिक्लेयर कर सकते हो ये एक सेक्शन एट क्लास टू क्या बोलता है कि डिस्कलोजर तुम कर सकते हो जो जो जिन जिन चीजों को एग्जेप्ट किया गया उसके बारे में भी इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व अगर से सर्व हो रहा है तो इवन दोस जो तुमने किया हुआ है कि नहीं कर रहा है वो तो डिक्लेयर तो तो ना करे बट एक प्रोविजन डाल दिया कि भाई सेक्शन फोर क्या बोल रहा है यू शुड ओ मोर टू डिक्लेयर और सेक्शन एट लॉस टू क्या बोल रहा है अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो तुम कॉन्फिडेंशियल चीजों को भी डिक्लेयर कर सकते हो तो एक मेंशन कर दीजिए के बारे में कि इवन द एग्जेप्टेड इंफॉर्मेशन इवन द एग्जेमटेड इंफॉर्मेशन कैन बी डिक्लेयर इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज गेटिंग सर्व इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज गेटिंग इफ लार्जर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा है सेक्शन एट क्लॉज टू, ठीक है ये इसके बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में देखो हालांकि जब हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे तो हमने ये सारी चीजों के बारे में बात करा है एक एक आपको दिया जाएगा ये वाली चीज ठीक है ये मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा हुआ है ना लास्ट टाइम बहुत लोगों को याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का एक बाकायदा एक टेबल है अब इसी को आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो बहुत टाइम जाएगा ये वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं चाहे इलेक्शन कमीशन हो यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनेंस कमीशन नेशनल कमीशन ये सब पे एक सवाल आ जाता है एक टेबल बना हुआ है रट जाएंगे ये हम लोग एक्सप्लेन भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं उसी तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का भी एक सिस्टम बना हुआ है ठीक है अब ये इसी में तुम देख रहे हो कि सी आई सी है एस आई सी है ये दो तुमको दिख रहा होगा अब एक बात बताओ ये जो आर टी आई आया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या फिर लॉ में मेंशन देखो दो चीज़ होता है याद रखना अभी तुम लोगों में बहुत सारे लोग नए हो एक तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक किताब रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा हम कानून बनाते हैं लॉ बनाते हैं उस उसकी किताब अलग है जो चीज उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बात समझ में आ रही है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना करके छोड़ दिया फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खत्म हो गई लोग आए जुटे ढाई तीन साल के लिए बैठे साथ में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली समझना दो चीजें एक पार्लियामेंट है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दो अलग चीजें असेंबली जो बना उसका काम सिर्फ एक ही था हमें संविधान बनाना है एक बार संविधान बन गया असेंबली खत्म और वो संविधान हमारे पास रखा हुआ है जो कि प्रोविजंस के बारे में बात करता है से आर्टिकल्स क्या हिसाब किताब हमारा रहेगा और अब जो भी लॉ हम लोग बनाएंगे वो उस संविधान के छत्र छाया में बनेगी वो उसके अम्ब्रेला में जो भी चीज बनेगी वो उसके प्रोविजंस के हिसाब से बननी चाहिए तो जो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो भी तुम लॉ बनाते हो नया कानून कुछ बनाते हो वो स्टेटरी बुक में होता है वो पार्लियामेंट बनाती है या आपके स्टेट असेंबली बनाती है वो उससे जो भी बॉडी बनता है ना वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी बॉडी तो अब मुझे एक बात बताओ ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो किस लॉ के अंतर्गत बना है आरटीआई आरटीआई एक्ट 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 है ना बोल रहे हो तो Act मतलब लॉ मतलब ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ और statutory अब इसी में तुम देख सकते हो कि कैसे आया भाई आरटीआई एक्ट 2005 में आया चलो ये भी है कौन होना चाहिए इसमें सीआईसी होना चाहिए यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये सेंटर में है CIC, ठीक है और इसके अंदर कितने चाहिए दस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अब इसमें कितने ये मैं लिस्ट सबको दिलवा दूंगा मैंने बोल दिया है आपको आज नहीं तो कल मिल जाएगा ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया है बाकी सब आपके पास ये लिस्ट आ जाएगा आप आराम से उसको भी देख जाइएगा कोई दिक्कत की बात नहीं सबको मिल जाएगा एक एक यहाँ देखो एस आई एस यहाँ पे भी एक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन कमिश्नर होना चाहिए और दस इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैंने बताया ना उड़ीसा का झारखंड का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एस अभी हर एक स्टेट का जो होगा वो एस होगा हर एक जो सेंटर पे होगा वो सी होगा समझ में आ रहा है यहां पे भी 10 यहां पे भी 10 वहां वाला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो सेंटर में रहेगा वहां का सेंट्रल है और यहाँ का स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो स्टेट का है ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कुछ खास अलग से कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है बट ही शुड बी समबडी हु हैज अ पर्सन ऑफ इमिनेंस होना चाहिए ठीक है आगे देख लेते हैं अपॉइंटमेंट कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है इसको प्रेसिडेंट करता है किसको सीआईसी को प्रेसिडेंट और इसको गवर्नर करता है ठीक है इसको प्रेसिडेंट करता है इसको गवर्नर करता है अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए जो सरकार बोल देगी उतने साल के लिए ठीक है और उसको रिमूव कौन करता है प्रेसिडेंट उसको करता है और इसको गवर्नर करता है तो ये याद रखना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को अपॉइंट गवर्नर करेगा और रिमूव भी गवर्नर करेगा बात समझो अभी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आगे मैं और पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये सब कुछ कुछ हिसाब किताब है उन लोगों का जो ठीक है हम लोग देख लेंगे अब ये बस आपको ये बताना था बस आर्किटेक्चर समझो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तो लिख लेते हैं थोड़ा सा एक हेडिंग दीजिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसमें जल्दी जल्दी लिख लेंगे ज्यादा कुछ हिसाब किताब है नहीं इसमें लिखिए इट कंजिस्ट ऑफ इट कंजिस्ट ऑफ वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस टेन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स मैक्सिमम है मैक्सिमम टेन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स छह भी हो सकता है पांच भी हो सकता है वो डिपेंड करता है पर मैक्सिमम है टेन ठीक है लिखिए इसका अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट इसको स्टार कीजिए अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्या ये अपने मन से करेगा अब तुम यहीं पे इंटरेस्टिंग चीज है इंफॉर्मेशन किससे मांग रहे हो तुम स्टेट से मांग रहे हो इंफॉर्मेशन मतलब सरकार से मांगोगे अब ये व्यक्ति को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना पर इसके जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो प्रेसिडेंट करेगा किससे पूछ के सरकार के लोगों से पूछ करके देखो मैं प्रेसिडेंट हूं मैंने अपॉइंट कर दिया आपको सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पर मैं अपना फैसला नहीं लूंगा मुझे कुछ कमेटी वाले लोग होंगे वो मुझे सजेस्ट करेंगे इसमें कौन है वो कमेटी जो मुझे सजेशन करेगी वो लिख लो सबसे पहले तो होगा प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन होगा एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और उसके साथ एक और आदमी होगा जो कि होगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर सिंपल रखो एक प्राइम मिनिस्टर होगा एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा दोनों एक ही दल के लोग होंगे और एक ऑपोजिशन लीडर होगा तीन लोग होंगे अब यहां पे मान लो आप तीन बैठे हुए हैं आप है प्राइम मिनिस्टर आप है लीडर ऑफ अपोजिशन आप है मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर आपको भी उसी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई तुम आ जाओ क्या कर रहे हो फ्री हो ठीक है मैं फ्री हूँ आ जाओ यार हम लोग एडवाइस देना है वो तो आप बोलोगे कि, कि सर मेरी क्या जरूरत आप ही ले लीजिए फैसला तो बोला ठीक है नहीं नाम मात के लिए तो आ जाओ दिखाना तो जरूरी है कि तुम भी थे तुम वहाँ अपॉइंटमेंट उसी ने किया है तुम क्या मैं बोल रहा हूँ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही उसके गुडविल पर है एक ऑपोजिशन वाला बंदा भी है ये मैं प्रेसिडेंट हूं बोला कि भाई अच्छा टू इस टू वन में तो आ गया वो लोग है ना टिपिकली आ गया क्योंकि अगर देखो हो सकता है कि वो सरकार को वाली हो तो हो सकता है नीतीश बाबू यहाँ पे बैठे हों या हो सकता है कि या टीडीपी वाला बंदा बैठा हो चंद्रबाबू नायडू तो एक अलग चीज़ है लेकिन वो साथ में जाएंगे अलायंस से तो ज्यादा डिफरेंसेस हो गए वो बोलेंगे भाई ठीक है आप इनको अपॉइंट कर दो सी अब इंटरेस्टिंग बात ये तुम एक सिटीज़न हो तुम इससे इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो किसके बारे में इसके बारे में और इसको अपॉइंट कौन कर रहा है ये वही आदमी तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना इशू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहीं पर है तो थ्री मेंबर बॉडी रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को द्रौपदी मुर्मू को एडवाइस करेंगे ये तीन लोग कि आप इसको अपॉइंट कर लीजिए द्रौपदी मुर्मू बोलेंगे जो आप बोलेगा वही होगा अपॉइंट कर दिया तो ये आपका अपॉइंटमेंट का एक तरीका हो गया ठीक है अब सवाल उठता है कि इनको अपॉइंट किया गया है सीआईसी ये कब तक होल्ड करेंगी पोजीशन तो लिख लीजिए यहीं पे स्टार मार्क कीजिए 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं तो यही सवाल 2020 के मेंस में सवाल पूछ दिया ये आरटीआई एक्ट इस आरटीआई एक्ट 2005 में अमेंडमेंट किया गया 2019 में अब आप सोचिए ये व्यक्ति एकदम ही इंटीग्रिटी का प्रतीक है रहेगा सकता है चीजों को. पहले क्या बोलता था कि ये जो ना, वो पांच साल के लिए अपॉइंट होगा उसको एक सिक्योरिटी मिलती थी पांच साल तक तो तुम रहोगे ही रहोगे है ना टेंशन नहीं है पर अब क्या बोला जब तक सरकार चाहेगी तुम तब तक रहोगे ये कब बोला 2000? बात समझ में आई? पर्सन कुड होल्ड ऑफिस फॉर फाइव अब सिक्सटी फाइव जब तक सरकार बोलेगी सरकार बोलेगी भाई आपको दो दो महीने में हटा देना है तो आप हट जाइएगा कुछ नहीं कर सकते आप तो लिख लीजिए इनिशियली इनिशियली

तुम रिटायर कर गए अच्छा ऐसा कोई प्री कंडीशन नहीं है कि वो आई एस होना चाहिए मैंने बताया ना सम पर्सन विद विध विद प्रोमिनेंट बैकग्राउंड होना चाहिए तो आप 60 में रिटायर किए मैंने आपको बना दिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अब आप पैंसठ तक रहो आराम से कोई दिक्कत नहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आप सिक्सटी के हो गए और मैंने आपको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया तो आप दो साल ही रहेंगे पर सिक्सटी या फिर फाइव ईयर्स पर उसके उसके लिए आपको सिक्योरिटी मिलता था पर अब क्या किया गया दो में आप उसी टर्म के लिए रहेंगे जितना कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि आप रहेंगे यानी आपके टेन्योर को रिड्यूस कर दिया गया और अब टर्म्स जो है वो डिक्टेट कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो लिख लीजिए नाउ दे कैन होल्ड ऑफिस नाउ दे कैन होल्ड ऑफिस नाउ दे कैन होल्ड ऑफिस टिल द टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट देखो तो यहां पे लिखा हुआ भी है द दी आई द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंफॉर्मेशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ सिक्स विच एवर इज अर्लियर टिपिकली क्या है सिक्सटी फाइव ईयर अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लोग मतलब ये कोइंसिडेंस है कि मेरा जो बैचमेट था मतलब हम लोग साथ में स्कूल में पढ़े हैं उसकी मदर जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनी थी ठीक है सुषमा सिंह नाम था उनका हम लोग साथ ही में पढ़ते थे उनका बेटा था मेरे साथ ये सुषमा सिंह है आई ऑफिसर थी ये इंडिया के फिफ्थ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनी है है ना अब देखो तुम एक इंटरेस्टिंग चीज ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रही हुई है झारखंड में थी झारखंड स्टेट में थी तो ये रिटायर की हैं टू थाउजेंड नाइन में ठीक है शी एट द वेरियस ये सब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे कितने कितने टाइम के लिए बना है तो देखो उन्नीस दिसंबर 2013 को बनती हैं और 21 मई 2014 में हट जाती हैं टिपिकली क्या होता है अच्छा ये 2019 से पहले की बात है तो इन लोग भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोग भी जो बनाते हैं ना वो तभी बनाते हैं जब एकदम तो लास्ट मोमेंट में वो बंदा 65 फाइव ईयर्स का पहुंचने वाला होता है हिसाब किताब समझो कि इसको अपॉइंट कर रहा है ये इंफॉर्मेशन मेरे बारे में देगा ठीक है मैंने अपने हिसाब के आदमी को तो बना दिया पर आर एक्ट भी तो है तो पाँच छह महीने में देखो तुम ज्यादातर देखो कितने कितने टाइम के लिए लोग बनते बने हैं पाँच सितंबर दो हज़ार तेरह को बना अब हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं लेकिन अगर समझ में आ जाए कि चीज़ें सरकार ऑन पेपर तो देखने में लगता है कि सिक्सटी जून एक दिसंबर चार जनवरी चौबीस नवंबर और दो हज़ार उन्नीस के बाद देखो थोड़ा सा मतलब हिसाब किताब चेंज हुआ है एक जनवरी क्योंकि द टिल द टर्म प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो बोलेगा जब चाहे तो हटा दे छः मार्च छब्बीस अगस्त सात नवंबर 2020 इसको तीन साल के लिए दे दिया अभी हीरा लाल समरिया है ये दो दो ढाई साल से चल रहे हैं पर तुम बाकी सबको देखो ढाई साल बहुत तो बहुत ढाई साल छः महीना आठ महीना छः महीना आठ महीना क्योंकि सिक्सटी फाइव ईयर्स वाला क्लॉज ज़्यादा प्रोमिनेंट था सबको सिक्सटी फाइव ईयर्स तक में ही ऐसा हिसाब कि चौंसठ साल में तुमको सिक्सटी फोर में बना दिया सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अगर सही हुआ तो ठीक वरना तुमको सिक्सटी फाइव ईयर्स वाला हिसाब किताब रखते थे तो दिमाग बहुत बढ़ाते हैं बैठ करके कुछ लोग जो बैठे हुए रहते हैं वहाँ क्योंकि वहाँ पे तो ऑप्शन रहता नहीं तुम्हारे पास पांच साल या फिर सिक्सटी फाइव ईयरस एक बार बना दी तो फिर दिक्कत हो जाएगा पांच साल तक झेलना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन तो मेरे बारे में दोगे तो वही बात होगी तुम घर में एक कुक रख रहे हो जिसको तुम सैलरी दे रहे हो और कुक तुम्हारे पूरे घर की बात जाके मोहल्ले वालों को भी बता रहा है तो तुमको वो सोच समझ के रखना पड़ेगा ना भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम एक आदमी को अपने घर में रख रहे हो वो तुम्हारे सारा इन्फॉर्मेशन बाहर जा करके दे रहा है तो तुमको तो एक डर बना रहेगा या तो किचन को बाहर करो कि बाहर आओ खाना बनाओ और जाओ चुपचाप से या फिर तुम ऐसा रखो कि भाई मेरे से तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं ज्यादा तो ये देखो हिसाब किताब समझ में आ रहा है सुषमा सिंह भी रही हैं पाँच महीने के लिए रही तो ऐसे काम होता है सरकार में ना काम ऐसे ही होता है क्योंकि हिसाब किताब बड़ा क्लियर होता है इसमें पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं हम लोग इतना समझ नहीं पाते हैं हम लोग हम लोगों को जो बोला जाता है हम लोग उसी को लिटरे जो बोला जाए उसका अर्थ कुछ और होता है बस समझो पॉलिटिक्स मतलब यही समझ में आया ये कैसे वर्क करता है ये तो एक कंपोनेंट हुआ कि अब जो आपका टेन्योर होगा वो सरकार डिसाइड करेगी तो इससे वीक हुआ या स्ट्रांग हुआ आप लोग बताइए मतलब अगर सरकार डिसाइड कर रही है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के टेन्योर का तो सरकार के तरफ फिल्ड कर गया ना वो और उसको तो होना है सरकार के ऑपोजिट क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना है उसको सरकार का तो अपने फेवर में कर लिया अच्छा बहुत आर टी आई आर टी आई हाँ भाई सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इन्फॉर्मेशन नहीं देना है हाँ। तो सही है आपस की बात है भाईचारा समझ में आ रहा है ये चीज तो आर टी आई वीको वीक हो गया डायल्यूशन ऑफ आर टी आई हो गया दूसरा कंडीशन क्या पहले जो सी आई सी की सैलरी थी ना वो इक्वल होता था चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर चीफ इन्फॉर्म सीई सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सैलरी होता था उसके बराबर होता था और बाकी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जो सैलरी होती थी, थी वो सेक्रेट चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो हुआ ना उसके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के बराबर होता था पर अब सबको हटा दिया और बोला कि अब तुम्हारी जो सैलरी होगी ना दैट इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मैं जो बोलूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा तुम्हारी सैलरी वो होगी वो सैलरी कुछ भी हो सकती है टिपिकली दो लाख पंद्रह हज़ार दो लाख पच्चीस हज़ार ऐसा होता है पर सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ डिसाइड द सैलरी अब तुम सोचो तुम्हारा अपॉइंटमेंट और तुम्हारी सैलरी जो दो आदमी डिसाइड करे और तुम्हारा ट्रांसफर सर एक बार सरकार में आ जाओगे ना डीएम बन करके तो ये तुमको समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो तुमको इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दे और जो तुम्हारे सैलरी और तुम्हारे सस्पेंशन और तुम्हारा डिसमिसल ये डिसाइड कर ले वही तुम्हारा बॉस है तुम बहुत ईमानदार हो हाँ ठीक है सरकार से शंटिंग पोस्ट में डाल देगा यार तुमको कोई एलिगेशन लगा करके सस्पेंड करवा देगा बनोगे तो ऐसा होता है रियलिटी में है सर यू हैव टू बी इन गुड बुक्स योर पॉलिटिकल मास्टर्स ये भी बहुत आइडियलिस्टिक बातें हम लोग करेंगे कि नहीं बहुत ये ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ नो बडी बी भी लेकिन एटलीस्ट तुम समझो कि तुम्हें को तुमको एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाएगा ना तुमको बहुत एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होगा उसके लिए यूपीएससी क्यों इतना झेला जह, देता है तुमको क्योंकि तुमको उसके लिए तैयार करता है तुरंत में तुमको हर एक चीज़ अचीव कर लोगे वो लोग आगे चल के चल के बहुत क्लोजल फेलियर फेस करते हैं बाईस इक्कीस बाईस तेईस साल वाले जो आई बनते हैं ना वो या जिन्होंने फेलियर्स नहीं देखा होता है शुरू में उनके लाइफ में जब फेलियर आता है ना डिप तो डायरेक्ट वो थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर से जंप मारते हैं क्यों आई आई में इतना तो सुसाइड होता है कभी सोचे हो हर साल सुनने में आता है होते हैं क्योंकि वो दे हैव नॉट बीन टोल्ड हाउ टू मैनेज फेलियर्स सक्सेस 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 फ्रॉम वन पिलर टू जिस दिन फेलियर आता है चाहे वो फैमिली प्रेशर की वजह से हो चाहे वो मैरिटल लाइफ में हो दे आर नॉट एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन तो ना फेलियर्स को और और इश्यूज को हैंडल करना सीखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पूरे प्रिपरेशन के फेज़ में ये एक चीज है जो तुम सीखोगे कभी तुम्हारे पास इकोनॉमिक चैलेंजेस हो गए कभी हेल्थ का चैलेंज होगा कभी फैमिली मेम्बर्स कुछ बीमार हो जाएंगे कभी तुम्हारा एग्जाम भी निकलेगा कभी तुम इंटरव्यू तक पहुँचोगे अगले साल प्रलिम्स नहीं निकलेगा बहुत झेला झिलाने वाली चीज़ भी होती है ये एग्ज़ाम पर अगर तुम इससे तप करके निकल गए तो तुम लाइफ के जर्नी में तो 99% लोगों से बेहतर निकलो समझ में आ रहा है जैसे आर्मी ट्रेनिंग हर की जिंदगी में होना चाहिए फॉर फिटनेस लेवल फॉर एजिलिटी उसी तरीके से मेरा मानना है कि हर किसी को कम से कम एक से दो साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए फॉर बेटर ग्रोथ एक तरीके का तुम्हारा इंटर्नशिप है टुवर्ड्स लाइफ ये इंटर्नशिप फेज में हो तो जैसे तुम कंपनी के लिए इंटर्नशिप कर रहे होते हो वैसे तुम लाइफ के लिए भी इंटर्नशिप कर रहे हो ये सब चीज़ों को ना बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से देखो दिस इज ट्रेनिंग यू फॉर समथिंग बेटर दैट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है इसकी सैलरी भी अब कौन डिसाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट तो लिख दो यहाँ पर जल्दी से तो लिखो आफ्टर टू थाउजेंड नाइनटीन अमेंडमेंट आफ्टर टू थाउजेंड नाइनटीन अमेंडमेंट द सैलरी इज टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है टू बी डिसाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इसकी वजह से क्या होता है एंड लास्ट पॉइंट लिखिए नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट ये भी एक मेजर इशू एक मिनट अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसको देख जाइए ये ट्वेंटी ट्वेंटी में एक सवाल आया है मेंस का जो इसी सी जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसको स्टार मार्क कर दीजिए जो अभी हम लोगों ने सीआईसी के बारे में पढ़ा उसमें स्टार मार्क कर दीजिए कि ट्वेंटी ट्वेंटी लिख दीजिए ट्वेंटी ट्वेंटी के मेन्स में सवाल आया है ट्वेंटी ट्वेंटी का मेन्स का सवाल उसमें पूछा गया है एक मिनट गो थ्रू कीजिए आर टी आई में हम लोगों ने जो जो पढ़ा है हाँ जी क्या बोल रहा है सेक्शन टू एच पब्लिक अथॉरिटी की बात कर रहे हैं आप तो मैंने आपको बताया ना जब आप एक वर्ड लगा देते हैं पब्लिक स्कूल पब्लिक हॉस्पिटल पब्लिक जॉब तो वो सरकारी समझ तो में आ रहा है पब्लिक मतलब जनता जनता से जुड़ा हुआ है सरकार जब बोल रहे हैं तो सरकार किसकी है जनता की सरकार है तो मतलब अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी जनता का कोई सरकार की कोई भी चीज अपनी उसकी प्राइवेट नहीं है सरकार सरकारी काम कर रहा है और सरकारी काम कर रहा है तो मतलब जनता को पता होना चाहिए तो जब तुम किसी को अथॉरिटी बना रहे हो पब्लिक अथॉरिटी तो मतलब जनता उसका सरकार सर, सवाल पूछेगी आरटीआई के थ्रू और इसके बारे में मैंशन में करता है सेक्शन टू क्लॉज एच वो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी की बात कर रही है कौन पब्लिक अथॉरिटी है क्योंकि जब तक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तुम डायरेक्टली आरटीआई ऑनलाइन से सवाल नहीं कर सकते हो क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी से जी तुम क्या पूछ रहे हो सेक्शन डिफरेंस क्या है वो एक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है कि इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं किस तरीके एफ और एच में तो ये डिफरेंस है सेक्शन टू क्लॉज एच पब्लिक अथॉरिटी की बात करती है सेक्शन टू क्लॉज एफ आपके इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है क्या इन्फॉर्मेशन मतलब क्या क्या आप मेल एक्सेस कर सकते हैं सर्कुलर एक्सेस कर सकते हैं कुछ भी है वो आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट कहीं पर भी है देखिए सिटीजन चार्टर सबसे पहले तो कोई लॉ नहीं है सिटीजन चार्टर में इसमें लॉ है है ना सिटीजन चार्टर हर एक पब्लिक अथॉरिटी को मेंशन करना चाहिए कि वो ये काम करेगा वो काम करेगा आप आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं पर आरटीआई का इन्फॉर्मेशन सीख कर और अच्छा सिटीजन चार्टर, चार्टर वो आपको बता रहा होता है कि ये ये चीज़ें आप आरटीआई डाल के निकलवा लीजिए पर वो टिपिकली आप समझिए कि सो मोटो डिस्कलोजर कर रहा है चीज़ों का वो एक तरीके से सिटीजन चार्टर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये ये है ऐसी ऐसी चीजें हैं वो सारी चीजें दोनों साथ ही चल रहा है गुड गवर्नेंस के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है सिटीजन चार्टर और आरटीआई सब आम जनता को जागरूक बनाने की प्रक्रिया है और किसी को कोई सवाल बताया तो मैंने अभी हम लोग अभी अभी अभी, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है वे लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी से आपको सवाल करना है तो उसकी रेगुलेटिंग एजेंसी से आप सवाल करते हैं जी नहीं समझा मैं लीगल बैकिंग तो तो आपका सेबी के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं सेबी आरबीआई के अंदर जितने भी बैंक्स हैं तो क्या आरबीआई एक्ट के अंतर्गत ही तो आरबीआई बी बनाया है और जो भी बैंक है उसको तो आपको आरबीआई के डायरेक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा कोई भी कितना आ, आ, वो जो भी उसका बैलेंस शीट है उसको सबमिट करना पड़ेगा कहाँ से फॉरेन उसके पास इनकम आ रहा है उसका मेंशन करना पड़ेगा आरबीआई के पास है सारा अगर आरबीआई बी ऑम्बर्ड्समैन बनाता है ना कोई बैंक आपको सर्विस नहीं दे रही है ठीक से तो आप आरबीआई पे कंप्लेन रजिस्टर करते हैं तो आपको रीच बैक करता है कि नहीं तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सीक आउट करना है जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ है या जो पब्लिक एट लार्ज में कितना लोन डिस्पर्सल कर रहा है किसको किसको दिया कहाँ कहाँ पे उसका कितना एन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो तो उसको मैंशन करना पड़ेगा समझ में आ रहा है बस इतना समझो पब्लिक अथॉरिटी में और प्राइवेट प्लेयर्स में क्या डिफरेंस है कि अगर आप पब्लिक अथॉरिटी हो डायरेक्ट तो आपको एक पी बनाना पड़ेगा प्राइवेट अथॉरिटीज़ को वो नहीं करना पड़ता प्राइवेट अथॉरिटीज का इन्फॉर्मेशन देखो मैंने आपको क्या बताया सेक्शन टू क्लास एच में रील कीजिए सेक्शन टू क्लॉज एफ में रीड कीजिए जो भी एनी इंफॉर्मेशन दैट कैन बी टेकन बाय द पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम प्राइवेट एंटिटी इसका मतलब क्या प्राइवेट एंटिटी से इंफॉर्मेशन कौन निकाल के आपको दे रहा है पब्लिक अथॉरिटी वो क्यों इंफॉर्मेशन निकाल के देगा क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी उस पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आ रहा है रजिस्टर्ड है ठीक है और किसी को कोई सवाल

अब जैसे देखिए ये सब की पॉइंट डिफरेंसेस क्या है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विल हैव अ टेन्योर पहले था अब उसको अब उसके हिसाब से सैलरीज एंड विल बी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है पहले क्या था सैलरीज एंड विल बी अब जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी विल बी डिटरमाइंड अब सबको हटा करके अब सारी चीज़ें जो भी है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करता the, है विच इज अगेंस्ट द दिच इज अगेंस्ट फेडरलिज्म ठीक है रिमूव गवर्नर ही करेगा

कि आरटीआई के बारे में इतना कुछ पढ़ा हम लोगों ने कहाँ पर इश्यूज हैं वेरी गुड वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हर कोई आप लोग एक एक पॉइंट सोचिए थोड़ा सा टाइम लीजिए और पेशेंसली सोचिए एक मिनट दीजिए अपने आप को अगर आपसे मैं बोल कि मुझे पाँच पॉइंट्स चाहिए कि वट आर द इशूज़ विथ आर इन आर कंट्री तो उसको दो पॉइंट से देखिए जो आर से इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा है और जो आर का इन्फॉर्मेशन दे रहा है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखिए और सोचिए कि कहाँ कहाँ इशूज हैं क्या हर जगह इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं क्या वो टाइमली काम कर रहे हैं क्या प्रोविजन जो भी बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है अभी अमेंडमेंट आ गया वो भी इशू है दो के बाद है ना क्या आपको आर टी आई जो आप भेजते हैं उसका आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है या फिर वो मे पेंडेंसीज में चला जाता है पेंडेंसी ऑफ केसेस जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है ना वैसे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग हैं मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपने आर भरा आर जमा किया तो पहले पहले तो आपको पी आई ओ देगा वो इन्फॉर्मेशन आपको थर्टी डेज़ के अंदर देगा तीस दिन के अंदर उसको देना है मान लीजिए आप उसके दिए गए इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फर्स्ट अपील में जाएंगे फर्स्ट अपील में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको आएगा वो पीआईओ से ही आएगा लेकिन वो विद इन नाइन्टी डेज आएगा विद इन नाइन्टी डेज़ आपको इन्फॉर्मेशन पर उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है और जो सेकेंड अपील में दिए ना वो सी आई सी के पास चला जाएगा उसको आपको अप्लाई कर रिटर्न करने के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है बात समझ में आई जो मैं बोल रहा हूँ दो दो अपील्स के लेवल्स होते हैं सी आई सी में इसमें लेवल सबके नहीं निकलते हैं है ना इसमें सी आई सी के पास जाके मामला पेंडिंग में चला जाता है तो यहाँ पे लेवल नहीं निकलेगा वहाँ पर पे पेंडेंसी ऑफ द दे केसेस देखेंगे कि सीआईसी में भरा पड़ा है बात समझ में भाई इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप आर भर दें और आपको वो इन्फॉर्मेशन आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है हो सकता है आपके पास आधा इफॉर्मेशन है हो सकता है वो ये बोल दे कि हमारे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके बनाए गए जो फॉर्मेट कोई वो में त्रुटि डिक्लेयर कर दे भाई इसी में इश्यूज़ है कुछ ना कुछ रीजन देकर करके आपको इन्फॉर्मेशन हो सकता है नहीं दे और हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन दे वो आधा दूरा हो अब आधा दूरा के लिए भी प्रोविजन है कि उस पीनलाइज होना चाहिए तो देखते हैं बहुत कम केसेस में किया था क्योंकि सारे तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं समझ में आ रहा है एवरीबडी एवरीबडीज सेलिंग ऑन द सेम शेप टिपिकली एक सेक्शन है सेक्शन ट्वेंटी ऑफ आरटीआई एक्ट सेक्शन ट्वेंटी क्या बोलता है सेक्शन ट्वेंटी करने का प्रोविजन है सेक्शन ट्वेंटी ये बोलता है कि अगर तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी है कि जो भी पी आई आपको दे रहा है वो अधूरा इंफॉर्मेशन दे या वो गलत इंफॉर्मेशन दे या टाइमली इंफॉर्मेशन ना दे तो पच्चीस हजार रुपया उस पर जुर्माना लगने का है कौन दे कौन जुर्माना लगाएगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाएगा आपका जो एस का आपके स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो आपके पीआईओ पर जो उसका उसके उसके नीचे का अथॉरिटी है उस पर जुर्माना लगाएगा कितना पच्चीस हजार रुपए कब लगाएगा जब ये साबित हो जाए कि आपके पीआईओ ने जिससे आपने इंफॉर्मेशन सीक किया था उसने आपको अधूरा या गलत इंफॉर्मेशन दिया पर हम लोग देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चार से भी कम केसेस में लगाया जाता है जबकि ये साबित हो जाए कि वो इन्फॉर्मेशन अधूरा है या गलत है तब भी सिर्फ चार यानी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है बात समझ में आई ये बात जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रही है ये वही बात हो गई कि मान लो कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है गाड़ी आपकी पुरानी हो चुकी है तो आप लेकर के गाड़ी से तो निकल रहे हो और प्रोविजन है कि अगर आप पकड़ा गए तो पांच बीस हजार रुपया फाइन देना पड़ेगा पकड़ा भी जाते हो आप तब भी कोई फाइन वाइन नहीं लगता है तो आप तो बिंदास लेकर के घूमोगे क्यों क्योंकि आप बाहर से सो कुछ दे देते हो ले भाई बिना पर्ची के जो भी देना है लेना है ले लो काम चलता रहता है तो उससे क्या होता है जो पी आई ओज हैं वो इनकरेज होते हैं पी आई ओ को छोड़ो यार बहुत सारे में तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर छोड़ो यार कोई चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है डिफंक्ट पड़ा हुआ है चार चार साल से मैंने तो एग्जाम्पल भी दिया ऐसी सिचुएशन में जब किसको पड़ी है कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है किसी को देना ही नहीं है सारे चीज़ तुम अपने हाथ में कर लिया हो नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन क्या कर लोगे ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज ठीक है तो लिखिए सबसे पहले इश्यूज सबसे पहला इशू क्या है सबसे पहले तो ये इशू है कि आप लोग के पास हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है दो ही परसेंट लोग आरटीआई भर रहे हैं या आर टी आई कर रहे हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है तो तुम सोचो इमेजिन करो यार सिर्फ दो परसेंट लोग सारे आरटीआई कर रहे हैं मतलब साल के जो दो तीन करोड़ आरटीआई आते हैं वो बहुत कम लोग करते हैं मतलब या तो बहुत सारे लोग आरटीआई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं या कुछ लोग हैं वो आरटीआई को बाद बाद में यूज कर रहे हैं यानी मिसयूज भी हो रहा है आरटीआई का दो चीज है देखने का दो नजरिया है एक तो कोई आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है एक है जिसके पास है वो बार बार आरटीआई यूज कर रहा है तो उससे भी आदमी परेशान है फिर आ गया इसका ये आरटीआई बहुत बहुत हल्ला कर रहा है ये आदमी उसको आइडेंटिफाई करो ये भी प्रॉब्लम है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या इश्यूज लिखिए इश्यूज में सबसे पहला ओनली टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एवर फाइल्ड आरटीआई ओनली टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एवर फाइल्ड आरटीआई तो उसका मतलब क्या है पब्लिक अवेयरनेस कम है कि ज्यादा देयरफॉर पब्लिक अवेयरनेस इज लो क्या कारण है कि लो है दो रीजन दीजिए अवेयरनेस नहीं है क्यों क्योंकि एक तो लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है लोग पढ़े लिखे नहीं है तभी तो तुम सोचो आर ऑनलाइन में तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं लिटरेट और इलिटरेट पूछ रहे हैं ना तो तुम खुद सोचो वो इलिटरेट आदमी रीड कर पाएगा क्या उसके लिए तो कोई भर रहा है ना वो यानी उसकी डिपेंडेंसी है ना किसी पे ऐसे सोचने की कैपेसिटी डेवलप करो हर एक चीज़ को ना डोंट टेक इट जस्ट ऑन द फेस मैं तुम उसको क्वेश्चन करो कि भाई ये सवाल क्यों पूछ दिया तुम लिटरेट या इलिटरेट चलो दस रुपये वाला बात समझ में आ गया फ्री में दे देंगे चीज़ों को तो वैल्यू नहीं रहेगी अब तुम दस रुपये खर्च करके इतना मेहनत करो तो मतलब सीरियसली तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा बहुत लोगों के लिए दस रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है तुमसे ये क्यों पूछ रहा है कि लिटरेट हो या इलिटरेट तो इसका मतलब है अगर तो तुम ये डिजिटल आर भर रहे हो तो तुम पक्का एलिटरेट नहीं हो सकते या तुम अगर इलिटरेट हो तो तुम्हारे एवज में कोई भर रहा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना इससे इस डेटा से ये पता चलेगा कि तुम तुम्हारी लिटरेसी और इलिटरेसी की पता चलेगी तो लोगों के पास अभी भी डिजिटल लिटरेसी की कमी है लोगों के पास अभी भी अवेयरनेस की कमी है कि आरटीआई के थ्रू लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है बात समझ में आ रही है और इसी का फायदा उठाते हैं प्रशासनिक अधिकारी क्या कर लोगे तुम उनसे सवाल जवाब कैसे करोगे तुम्हारे पास क्या मैकेनिज्म कभी तो? जाना डीएम ऑफिस में हो सकता है कि चार घंटा बैठ करके वापस आना पड़े पॉसिबिलिटी <coughs> है इस चीज की समझ हो तो उस अधिकारी तक पहुंचने का क्या मैकेनिज्म है तुम्हारे पास कौन हो तुम सबसे बड़ा सवाल पच्चीस साल के बाद यह है कि हुआ यू सबसे बड़ा डिफिकल्ट सवाल जो तुम फेस करोगे स्पेशली मेन क्या हो भाई तुम कौन हो मैं बहुत ही पॉलिश वर्ड में बोल रहा हूँ तो कहने का दूसरा तरीका है कि तुम्हारी औकात क्या है गेटिंग द पॉइंट तो 25 साल से पहले पहले इसका जवाब ढूंढ लो hmm. तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी वरना फिर तो है ही ज़िंदगी चली रही है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़ों का सवाल ढूंढना बहुत ज़रूरी है खासकर जिनके पिताजी अच्छे हैं अच्छे पोजिशन पर रहें वो जल्दी से जल्दी डिस्कनेक्ट करें अपने पिताजी के अचीवमेंट से क्योंकि तुम कब तक बोलते रहोगे कि तुम्हारे पिताजी कौन थे या कौन है एक समय आएगा तुम बोलने से कतराओगे हो भाई चलो क्योंकि तुम इसका मतलब ये कि तुमने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया कि तुमको किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने के ये एक इन्फीरियॉर्टी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा जीता जागता नमूना होता है लोगों को हर कोई हम लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स तो है ही साथ ही साथ हम लोग किसी चीज का सहारा लेकर के अपने वर्थ को सामने रखने की कोशिश करते हैं ये देखो मेरी मर्सिडीज ये देखो मेरी घड़ी ये देखो मेरा ब्रांडेड कपड़ा ये एक्चुअली में तुम्हारा शो कर रहा है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कुछ नहीं है तुम सही में जो रिच आदमी होता है ना वो आराम से लीड करता है लाइफ उसको फर्क नहीं पड़ता है क्या हो ठीक है ना उसको सेल्फ वर्थ पता है उसको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है अक्सर बहुत लोग जो ब्रांड ब्रांड करते हैं ना बेचारे वो, वो ग्रस्त होते हैं इन्फी कॉम्प्लेक्स वो अपने आप को सेम लीग में लाना चाहते हैं बहुत लोग देखो मैं इससे बात किया देखो ये प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है इससे मैं बात करता हूँ बहुत कुछ कुछ टाइप के लोग तुमको मिलेंगे जो बार 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 पे दिखाएंगे कि देखो अभी तो मेरी बात चल रही है इनसे फोटो दिखाएंगे बाद बात उनका इंस्टाग्राम चले जाओगे किसी बहुत बड़े आदमी सेलिब्रिटी के साथ हर जगह फोटो कभी ऐसे कभी हाथ मिलाते हुए कभी ज्ञापन देते हुए युवा अध्यक्ष के साथ भेंट समारोह में ये दिया फूल देते हुए कार्यकर्ता बेचारा क्या करेगा या तो बेचारा वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक्चुअली में कहीं ना कहीं बेचारा परेशान है वो तो बोल बोलना चाह रहा चिल्ला चला कि भाई मुझे वैल्यू करो आई एम समबडी बिकॉज आई एम मीटिंग समबडी ये तो तुम जो दिखता है ना भाई उसके बाद की कहानी सोचो या समझो अगर ये समझ जाओगे ना तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी और हम मिडिल क्लास के लिए लोगों के लिए ना जो एक एक टिकट टू सक्सेस होता है ना वो इजी टिकट टू सोटू टू से इजी वरना तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है वो ये सिविल सर्विसेज है इसीलिए लोग आठ साल दस साल दे देते हैं इसमें घर परिवार वाले ज़मीन भेज देते हैं कि भाई जाओ पढ़ करके आओ <coughs> तो अपने लाइफ का पर्पस समझो ये सब तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा जब एन यू हिट थर्टी तब चीज़ें समझ में आएंगी ट्वेंटी नाइन थर्टी में चीज़ें अलग हो जाती हैं अभी ट्वेंटीज़ में पिताजी बहुत इरिटेटिंग लगेंगे अरे यार बात बात पे टोकते हैं ये मत करो वो मत करो बार बार मेरे मतलब मेरे में। नहीं वही थर्टी के हो जाने के बाद तुमको पिताजी वापस याद आएंगे लाइफ का अपना अपना फ़ेज़ होता है समझे तुम्हें लाइफ में हर एक चीज़ की जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है ना वो अलग होती है जब बच्चे होते हो तो तुम्हें टॉयस चाहिए होता है फिर तुम बड़े होते हो तुम्हें साइकिल चाहिए होता है फिर तुम जैसे फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन हिट करते हो तुमको बाइक चाहिए होता है जो मज़ा तुमको बाइक में मिले हुए लड़कों की बात कर रहा हूँ है ना तो उनको बाइक चाहिए होता है उस वक्त वो भी शायद उस टाइप का जो स्पोर्ट्स बाइक वो बहुत फैसिनेट करता है फिर जैसे जैसे तो तुम ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन के होने लगोगे ना तुमको थोड़ा सा क्रूज़र बाइक अच्छा लगेगा भाई थोड़ा सा रॉयल इनफ़ील्ड वो चलेगा क्योंकि आराम से बैठे हैं फिर तुम थर्टी एट करोगे ना तुमको कार्स अच्छे लगने लगेंगे ये एक अलग ही मतलब दिमाग की कैफियत कह लो इंसान के सोच या क्या है वो चीज़ हर फेज में तुम्हारा ना परसेप्शन चेंज होता रहेगा उसी तरीके से माँ बाप की तरफ जो हमारा रिश्ता है या जो रवैया वो भी बदलता है शुरू में माँ और बाप से तुम दूर जाना चाहते हो कि ये जल्दी घर से निकले फिर जब तुम बाहर चले जाते हो तो तुमको घर की याद आती है तुमको तो तब घर चले वापस ये सारी चीज़ें ना लाइफ का फेज़ है उसी तरीके से ना ये जो एग्जाम है हम लोगों के लिए एक ईजी वे ऑफ टिकट टू सक्सेस है लाइफ का डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो क्या हो रहा है अभी लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है सिर्फ दो परसेंट लोग है तो नहीं है समझ रहे मिस यूज ऑफ आर टी आई एक्ट तो सेकेंड पॉइंट लिख लो मिस यूज बहुत लोग मिस यूज भी करते हैं मिस यूज ऑफ आरटीआई एक्ट ठीक है मिस यूज ऑफ आर टी आई एक्ट

C.I.C के पास जाएगा इसमें कोई टाइम टाइम लिमिट तो जाकर के ज्यादातर केसेस पेंडिंग हो जाता है सीआईसी के पास में आ रहा है है ह्यूज बैकलॉग इन पेंडेंसी ऑफ केसेस पड़ता C.I.C के पास पड़ता है? है तो ये भी एक कारण ह्यूज बैकलॉग प्लस डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस अब इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहां पर ये कैसे ये तो एक कारण हो गया कि एक कारण है कि भाई ये मैकेनिज्म के थ्रू जाकर केसेस ज्यादा पेंडिंग कहां पर है सीआईसी के पास है अब मैं कुछ एक और डेटा दे देता हूं सबसे नंबर वन स्टेट जहां पे पेंडिंग ऑफ केसेस है वो आपका महाराष्ट्र है महाराष्ट्र लिख लीजिए फर्स्ट महाराष्ट्र सेकंड यूपी और थर्ड सीआईसी थर्ड क्या है सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन Condition. ये तो हो गया आपका बैकलॉग्स और पेंडेंसी ऑफ़ केसेस का एक रीजन सेकेंड रीजन क्या है बहुत जगह से तो इंफॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर्स ही गायब है फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही गायब है तो ये सेकंड पॉइंट है लिख लीजिए मोस्ट कमिशन आर फंक्शनिंग

लिखिए नाइन आउट ऑफ ट्वेंटी नाइन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन नाइन आउट ऑफ ट्वेंटी नाइन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कितना परसेंट हुआ लगभग थर्टी वन परसेंट नाइन आउट ऑफ ट्वेंटी नाइन अब एक्चुअली में कितने लोग हैं जो नाइन और नाइन डिवाइड बाई ट्वेंटी नाइन कर रहे थे मतलब ट्वेंटी नाइन आउट ऑफ ट्वेंटी नाइन निकालोगे ना परसेंटेज तो स्मार्ट तरीका यह है कि ट्वेंटी नाइन को थर्टी कर दो और जो भी परसेंटेज आ रहा है उसे हल्का सा कम कर दो बढ़ा दो ना थर्टी वन परसेंट आता है इस थर्टी वन परसेंट के पास डज नॉट हैव एनी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर देखिए डज नॉट हैव है है। चीफ information कमिश्नर यूपी बिहार यूपी बिहार तेलंगाना राजस्थान तेलंगाना राजस्थान गोवा एटसेट्रा हैज ओनली फोर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इसके पास सिर्फ चार इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स गोवा भी मणिपुर भी लिख लो उसमें मणिपुर भी मणिपुर में अभी बहुत क्राइसिस चल रहा है, इशू चल रहा है तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गया मणिपुर को हाईलाइट कर दो थोड़ा हैव दे हैव ओनली फोर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स उड़ीसा आल्सो हैज फोर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स राजस्थान है झारखंड एंड त्रिपुरा नो कमिश्नर्स झारखंड एंड त्रिपुरा नो कमिश्नर्स इनके पास कमिश्नर ही नहीं है छोटा तो छोटा डेटा है अपडेट होता रहता है ऊपर नीचे है ना तो देखते रहना मतलब ये हो सकता है डेढ़ साल दो साल पुराना डेटा है अभी अपॉइंट कोई हो गया होगा या नहीं हो गया होगा तो आप अप एक अपडेट करते रहो टिपिकली झारखंड में तो खैर इशू है ही बहुत सारे जगहों पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है भी नहीं तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ऊपर नीचे होगा तो अपडेट अपना कर लेना ये सारी चीजें पर आइडिया समझो कि प्रॉब्लम क्या है एक तो सबसे बड़ा आइडिया पेंडेंसी है पेंडेंसी क्यों है क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है दूसरा पेंडेंसी का कारण क्या है आपके पास वेकेंसी इतनी ज्यादा है।, है ही नहीं कमिश्नर्स और कहीं कई जगह तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फ्रेश पॉइंट बुलेट पॉइंट रिलकटेंस टू इंपोज पेनाल्टीज रिलक्टेंस टू इम्पोज पेनाल्टीज रिलक्टेंस टू इम्पोज पेनाल्टीज वही वाली बात कौन सेक्शन में बात करता है पीनालाइज करने का सेक्शन ट्वेंटी सेक्शन ट्वेंटी क्या बोलता है कि अगर आपके पास अधूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर किस पर पीनालाइज करेगा पी आई ओ पे पीनालाइज करेगा बट सिर्फ थ्री पॉइंट एट परसेंट केसेज में ऐसा करता है वो ठीक है तो इससे मन बढ़ जाता है किसका पी आईओ का है ना तो लिख लीजिए अंडर सेक्शन ट्वेंटी अंडर सेक्शन ट्वेंटी द इंफॉर्मेशन कमिश्नर द इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज द अथॉरिटी हैज द अथॉरिटी हैज द अथॉरिटी टू पीनलाइज Up to twenty five thousand, up to twenty five thousand on the PIO, but it is done in only four percent of the cases. ठीक है नेक्स्ट फ्रेश पॉइंट लिखिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी स्टार मार्क कीजिए 2019-20 में जब कोरोना आ रहा था तब सबसे ज्यादा जरूरत थी इंफॉर्मेशन कमीशन की हम लोग देखते हैं कि उन्होंने 91 लगभग 90 परसेंट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने एनुअल रिपोर्ट ही नहीं बनाया 2019 का एनुअल रिपोर्ट बना करके आप क्या करते हो आपने क्या क्या काम किया उसको आम जनमानस में लेकर के जाते हो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कोई एनुअल रिपोर्ट ही नहीं बनाया तो लिखिए पहला पॉइंट ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ ट्वेंटी नाइन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ट्वेंटी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दैट इज एटी सिक्स परसेंट डिड नॉट पब्लिश द एनुअल रिपोर्ट फॉर 2019 डिड नॉट पब्लिश The annual report for 2019. नाइनटीन इस पर एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि पंजाब एस यानी पंजाब के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2012 से कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं बनाई है पंजाब में हालत ऐसी है कि पंजाब एस ने 2012 के बाद से कोई एनुअल रिपोर्ट ही नहीं बनाई और उत्तराखंड ने 2014 के बाद अभी तक नहीं बनाया तो कुछ कुछ एकदम ही बेकार परफॉर्मिंग एस आई हैं तो ये लिख लीजिए कि पंजाब एस आई सी हैज इन पब्लिश एनुअल रिपोर्ट सिंस 2012 प्लस उत्तराखंड एस आई सी हैज इन पब्लिश सिंस 2014 ठीक है और बताइए क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं एक तो डाइल्यूशन ऑफ लॉ लिख दीजिए डाइल्यूशन ऑफ आर ये भी तो एक इशू है डाइल्यूशन ऑफ आर टी आई वो भी एक मेजर इशू है और क्या हो सकता है आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया जाता है किलिंग ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट किलिंग ऑफ ठीक तो है तो देखिए लगभग साढ़े तीन लाख कंप्लेन है आपको समझा रहा हूँ ह्यूज पेंडेंसी की जब बात कर रहे हैं तो लगभग लगभग साढ़े तीन लाख आरटीआई पेंडिंग है हमारे पास समझो तो ये सारी चीज को समझोगे कितना डिफंक्ट है इंपोज नहीं करते हैं डिस्पोजल ऑफ द केसेस नहीं होता है तो एक तरीके से ये सारी चीजें हैं जिसको इस्तेमाल में लाना चाहिए ये केस स्टडी था जो मैंने किया था ताकि एक तरीके से क्या तरीका है क्या उसमें बेहतरी कैसे लाया जा सकता है कितने पॉइंट्स हो गए इश्यूज में आठ नौ दस पॉइंट्स हो गया ना काफी है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टाम आ कर लीजिए इश्यूज इश्यूज सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए सोल्यूशन पे बात करें हम लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे क्या लगता है क्या सोल्यूशन है आप लोग थर्टी सेकेंड्स लीजिए सोचिए अगर मैं आपसे बोलूँ कल को आप बना दिए गए एडवाइजर टू द सी या प्राइम मिनिस्टर और आपसे पूछा जाए यार मेरे को पाँच पॉइंट्स दो यार कैसे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए तो आप क्या क्या सोल्यूशन दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम अवेयरनेस क्रिएट करोगे ठीक है गुड सी पे काम करोगे सबसे पहले तो तुम वैकेंसी पे काम करोगे पहले अपने घर का जो इश्यूज है उसको सॉल्व करोगे ना बाहर का इशू सॉल्व करने से पहले तो घर में क्या क्या इश्यूज है घर में सबसे बड़ा इशू है कि भाई है ही नहीं कोई घर में तो उसको घर भरोगे सबको अपॉइंटमेंट्स करो दूसरा क्या करोगे एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करवाओगे केसेस का क्विक डिस्पोजल करोगे केस क्विक डिस्पोजल कैसे होगा क्यों नहीं हो पाता है क्विक डिस्पोजल एक तो टाइम लिमिट है चलो ठीक है लेकिन एक पॉलिटिकल कमिटमेंट भी तो नहीं है लोगों का एक तरीके से कि काम करना है ये चीज को वेरी गुड एक टाइम प्रोविजन वहाँ पे बनाओ टाइम प्रोविजन वहाँ पे बन गया पर इसके अलावा जो एयरिंग ऑफिसर्स हैं जो ऐसे ऑफिसर्स हैं देखो उनके लिए ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स बनाओ ये आदमी काम कर रहा है कि नीचे वासी काम गया था इसका इंडेक्स बनाओ कि पब्लिक अथॉरिटीज का क्या रिस्पॉन्सिवनेस है उसके पास आर का रिक्वेस्ट आता है तो कितनी जल्दी वो उसको डिस्पोज ऑफ करता है ठीक से अगर अगर रिपोर्ट सही नहीं है तो उस पर पीनालाइज क्यों नहीं किया गया पूरा एक सिस्टम को देखो ए वगैरह का इस्तेमाल करो ए अब जब कुछ समझ में नहीं है ना एक ए डाल दो एक पॉइंट ए का डाल दो अब ये अपने आंसर में ये दिमाग में रखो अब ए की तरफ हम लोग मूव कर गए हम लोग एक नए फेज की तरफ इंटर कर चुके हैं अब ट्वेंटी को याद रखना जैसे 1995 तुम्हारा इंटरनेट के लिए था 2024, 25 इज गोइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ द वे वी लुक एट थिंग्स जॉब्स के जो नेचर है वो चेंज हो जाएंगे बहुत सारे जॉब्स जैसे टाइप चला गया कंप्यूटर के आने के बाद वैसे ही हिसाब किताब है समझ में आ रहा है जो कुछ समझ में नहीं आया तो ए डाल देना कि ए का इस्तेमाल करना चाहिए बहुत लोगों को नहीं समझ में आया कि ए से क्या हो जाएगा ए एक पैटर्न बनाता है एक चीजों को कोलेट करता है है ना एक अलगोरिदम सेट करता है उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं तो जैसे भी रिस्पॉन्स सिस्टम जैसे पहले क्या था आप कहीं फ़ोन कर रहे हो तो वो बंदा रिसीव करे ना करे अब क्या है ए से आपका या फिर आप देखो टेली एक तरीके से आप चीज़ों को डायरेक्टली आप चाहे वो अटेंड करे चाहे व्हाट्सअप का बिजनेस अलग बदल गया आप एक मैसेज डालो आप ए आई बॉड जो चैट बॉड्स है उसी के थ्रू आप सारी चीज़ों को करते हो ये तो सब क्या है ए आई रिस्पॉन्सिवनेस मैथड है मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन अब रखो टेक्नोलॉजी को करो, ओपन पॉलिसी फॉलो करो ओपन डेटा पॉलिसी क्या है कि सबके पास एक्सेस रहे चीजों का जब आप बात कर रहे हो ट्रांसपेरेंसी की तो फिर बात करते हैं ना कि तो कुछ कुछ केस स्टडीज है लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है ओपन डेटा पॉलिसी रखो सबके पास एक्सेस हो सके कि कहाँ पे क्या है कौन से कितने रिपोर्ट्स गए हैं कहाँ पे क्या है कोई भी उसको एक्सेस कर सके उसको ओपन डेटा पॉलिसी कहते हैं ठीक है थीके? जितने भी सिमिलर नेचर के आर टी हैं उनको एक जगह ए के थ्रू या बाकी टेक्नोलॉजी के थ्रू लाइन अप करो ताकि उन सबका एक ही साथ जो भी है डिस्पोज ऑफ करना है उसको जल्दी से करके अमला को खत्म करो मिस यूज़ अगर कोई कर रहा है तो उसको प्रिवेंट करने की बात करो जो लोग भी अननेसेसरीली ज़्यादा कर रहे हैं उनके हिसाब से चीजों को तो सोल्यूशन समझ में आया कि क्या करना है तो पहला लिखो पहला सोल्यूशन क्या क्या दोगे पहले वैकेंसीज़ को फिल करोगे फिलिंग अप देंसीज फिलिंग अप दैकेंसीज एनुअल रिपोर्ट का टाइमली पब्लिकेशन करवाओगे एनुअल रिपोर्ट टाइमली पब्लिकेशन ठीक है फिर ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स तुम रखोगे अथॉरिटीज के लिए ए आई असिस्टेड रिस्पॉन्सेज होना चाहिए ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी भी तुम डाल सकते हो इंफॉर्मेशन के सिक्योरिटी के लिए ब्लॉक चेन दो तीन वर्ड को तुम कहीं पे भी डाल दो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी ए आई ये सब डाल दो क्योंकि डेटा अगर तुम ओपन कर रहे हो तो उसका सिक्योर होना भी जरूरी है सिक्योरिटी तुम्हारा ब्लॉक चेन से आता है ठीक है तो ये चीज़ है फिर लिख लो ओपन डेटा पॉलिसी फॉलो करना चाहिए ओपन डेटा पॉलिसी ओपन डेटा पॉलिसी समझ आता है कोई भी आदमी उसको एक्सेस कर सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ है अब वो जरूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे एक दो केसेस में अभी ई गवर्नेंस में हम लोग पढ़ेंगे ओपन तो डेटा क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में एक बार देखेंगे उसको है ना ओपन डेटा पॉलिसी हो गया कंपाइलिंग ऑफ सिमिलर आर टी ये सब आई थिंक सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कंपाइलिंग ऑफ सिमिलर RTI applications. हा वो जो भी इश्यूज हैं डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए आरटीआई का जो फिर से अगर पॉलिटिकल कमिटमेंट की बात कर रहे हैं तो डाइल्यूशन किया गया कि उसको खत्म करो भाई स्ट्रेंथनिंग उसको ऐसे मत डाइल्यूशन को खत्म करो जो किया उसको लिखो स्ट्रेंथनिंग ऑफ आरटीआई लॉ स्ट्रेंथनिंग ऑफ आरटीआई लॉ छ सात पॉइंट्स रख के रखो सब जो भी सवाल आएगा इसी पे आएगा टेन मार्कर स्ट्रेंथनिंग ऑफ आरटीआई

कोई समझ में नहीं आया ओपन द सेशन को ओपन करता हूँ क्वेश्चंस के लिए किसी को कोई डाउट है तो पूछो देखो आरटीआई से एक सवाल पूछा जा सकता है दिमाग में रखो इसको दो चीजें हमेशा पूछी जा रही हैं एक ई e गवर्नेंस पे सवाल आ रहा है दिख रहा है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये का पेपर है इस साल जो पूछा गया है हर साल ई e गवर्नेंस पे एक सवाल आता है और हर साल तुम मान के चलो कि एक सिटीजन चार्टर या फिर आरटीआई पे एक सवाल पूछ देगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अभी हम लोगों ने सिटीजन चार्टर का देख लिया है ना क्वेश्चन नंबर एटीन देखो ई e गवर्नेंस के बारे में रीड कीजिए आप ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर एटीन जोर से पढ़िए प्लीज़ जोर से इंटर सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस अब बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आएगा ये क्या इंटरनेट इंटरक्टिव सर्विस मॉडल की बात की जा रही है इन ऑल दैट देखो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ यूपीएससी का जो पेपर क्रैक तब होता है जब तुम थीमेटिकली पढ़ते हो जो बैठा हुआ बंदा है ना इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट को नहीं समझ में आएगा ये क्या मॉडल की बात कर रहा तो है कुछ भी ऐसा बात कर रहा है जो ठीक ठाक लग रहा है मतलब इंटरेक्शन टाइप का कुछ बात कर रहा है कि इंटरेक्शन होना चाहिए मतलब सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर के चलना चाहिए यही हिसाब किताब यू पी में रखो

और किस तरीके से वो इंटरेक्शन का लेवल है इसलिए मैंने ना डिटेल में पढ़ाया ताकि आपको समझ में आए ई गवर्नेंस भी क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में मैं इस सवाल को रीड करवा करके आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि हर साल यूपीएससी में ना ऐसा कुछ एक नया वर्ड डाल देगा घबराना नहीं है उससे जो पढ़ के जा रहे हो ना उसी को लिखना है और ये वर्ड को चार पांच बार रिपीट कर देना है मैं टेक्निक बता रहा हूँ एग्जाम निकालने का भाई ये सब मत सोचना क्या क्या है भाई एग्जाम निकालने से मतलब है ना तो वो तुम निकाल लोगे जितना बता रहा उतना फॉलो करो रिसर्च नहीं करना है। जब भी कुछ एक नया टाइप का कुछ एक वर्ड डाल दे थीम याद रखो बस ये बोलो कि क्या प्लस माइनस से अच्छा इश्यूज पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है उतना दिमाग में रखो किस तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करने बोल रहा है या पॉजिटिव वे में बात करने बोल रहा है वो दिमाग में रखो और कुछ नया वर्ड डाला उस वर्ड को चार बार वहां पर डाल देना और एक दो एग्जाम्पल दे दो इंटरेक्शन 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 समझो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो बाउंसर रहेगा तुमको बाउंसर को बाउंसर की तरह ही प्ले करना है कुछ स्पेशल कहाँ से ऐड करोगे इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल मतलब जो भी स्टेक होल्डर है सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके बीच का इंटरेक्शन जब एक तुम एक ब्रॉडर इकोसिस्टम में चीजों को देखते हो तो कौन कौन से हैं प्लेयर्स जी टू जी गवर्नर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच का इंटरेक्शन चल रहा है जी टू बी गवर्नमेंट टू बिजनेस के बीच का इंटरेक्शन चल रहा है जी टू सी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स के बीच का इंटरेक्शन चल रहा है बात समझ में आ रहा है इंट्रैक्शन के तीन लेवल्स होते हैं टिपिकली जी टू जी जी टू सी जी टू बी अगर कोई एक प्रोजेक्ट तुम चला रहे हो मान लो कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो तुमको चाहिए कि शुभ्र रंजन जैसे कोई और जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं वो तुम्हारे एक बहुत ही डिस्टेंट रिमोट डिस्ट्रिक्ट में आकर के वहां के ट्राइवल बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें अब वो बच्चे बेचारे उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दिल्ली आए या वो उड़ीसा आए या वो भुवनेश्वर में आकर के पढ़े हो सकता है कि दंतेवाड़ा में है छत्तीसगढ़ में या हो सकता है कि एकदम ही तुम्हारे मांग के चलो केंदूझार में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इतनी फैमिलीज हैं जिनको शायद वो दो तीन टाइम का खाना भी उनको नसीब नहीं होता होगा अब तुम एज अ डी चाहते हो तुमने देखा है कि क्या स्ट्रगल है तुम चाहते हो कि क्वालिटी एजुकेशन आकर के वहाँ पे कोई दे तो तुम क्या करोगे तुम गवर्नमेंट हो तुम वहाँ के स्टेट हो तो कॉन्ट्रैक्ट निकालोगे कि भाई मैं इनवाइट करता हूँ एक आ, मतलब टेंडर निकाल रहा हूँ मैं और मैं इनवाइट करता हूँ बेस्ट इंस्टीट्यूट को कि वो आकर के अपना प्रपोजल सबमिट करें मेरे जिला में मुझे चाहिए यूपीएससी की कोचिंग की इंस्टीट्यूट और मैं आपको सौ बच्चे डेढ़ सौ बच्चे दूंगा आप उनको ट्रेन कीजिए और आप जो भी आपका है आप अपना कोटेशन दीजिए कि आप कितना लीजिएगा क्या कीजिएगा आपके पास फंड है वो फंड कहाँ से आ रहा है वो फंड आ रहा है आपके जिले में जो माइनिंग चल रही है जो कंपनी आकर के आपके जिले में आयरन ओर माइनिंग कर रही है कर रही है और उसकी वजह से जो आपके एनवायरमेंट में पर्यावरण में जो गंदगी फैल रही है धूल वगैरह जो भी उसका वो रॉयल्टी पे करती है आपको वो रॉयल्टी पे करती है और आपके हाथ में वो फंड रहता है कि आप उससे आम जनमानस के उद्धार के लिए काम कीजिए उनके वेलफेयर के लिए काम कीजिए तो आपके पास पैसा आ गया अब आप आपको क्या चाहिए क्वालिटी एजुकेशन देना है तो आप इनवाइट कीजिएगा प्राइवेट प्लेयर्स को आप हो गए पब्लिक वो हो गया प्राइवेट और आपने निकाल दिया एक ओपन टेंडर ऐसे पांच लोग आएंगे अप्लाई करेंगे यहाँ भाई हम पढ़ा देंगे आपको हमें चाहिए पचास लाख रुपए में हम पढ़ा देंगे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि क्वालिटी टीचर्स को हम भेज सकें अभी बोलेंगे चलो ठीक है मैं पचास लाख रुपए बच्चों को दूंगा ये सारे बच्चे हैं ट्रैवल बच्चे हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए, रिजल्ट तो तो ही अगले साल कंटिन्यू करवाएंगे, करवाएंगे। वरना नहीं कर तो आप मुझे एक बात बताओ, लेवल ये क्या हुआ? जी बी हुआ नहीं? है ना? डाल दिया कि भाई दिल्ली से जो है ना लाइव क्लासेस रिले होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस की तो आप टेक्नोलॉजी यूज किया आपने वहां पर केंदुझार जैसे जगह पे आपने एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया बच्चों को बैठ के पढ़ने का इंतजाम करवा दिया एक यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगवा दिया उसी फंड से ऐसे पैनल लगवा दिए और दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस जो चल रहा है पॉलिटिकल साइंस तो वहां पे बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया उन्होंने हिंदी में और बाकी जो जनरल स्टडीज के टीचर्स हैं वो आपने बोला कि आपने कंडीशन डाल दिया कि मुझे यहाँ पे दो टीचर्स चाहिए होंगे एनी टाइम ट्वेंटी फोर सेवन बच्चों के डाउट सॉल्विंग के लिए इधर से आपने जनरल स्टडीज करवा दिया अब आप सोचो मुझे आपने क्या इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी का ई e गवर्नेंस का वो और सर्विस किसने प्रोवाइड किया एक क्वालिटी बिजनेस हाउस ने आकर के टेंडर भरा उसने आ, उसको आपने एक्सेप्ट किया और आप हैं गवर्नमेंट वो है बिजनेस दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ सर्विस डिलीवरी हुई आपका जो इंटेंडेड पर्पस है वो सॉल्व हुआ उसको पैसा कमाना था उसका वो पर्पस भी सॉल्व हुआ कोई चैरिटी वर्क नहीं हो रहा है यहां पर मतलब वो आप पे कोई फेवर नहीं कर रहा है वो बिजनेस हाउस को बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग मोटिवेशन होता है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो आपके पास फंड है सब चीज एक साइक्लिकली इंटर रिलेटेड है तो ये हो गया कि नहीं आपका इंटरक्टिव सर्विस मॉडल हो गया कि नहीं जी टू बी वही आप एक किसान है और आपको आपको कोई लोन चाहिए या कुछ चाहिए तो आपको सरकार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है तो वो जी टू सी हुआ कि नहीं आपके बैंक में डायरेक्टली पैसा जा रहा है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर कंज्यूमर कौन है बेनिफिशियरी या जो भी क्लाइंट है उसके पास डायरेक्ट पैसा जा रहा है तो वो इंटरेक्शन कैसे हुआ जी टू सी अब एक सरकार दूसरे सरकार से अगर कोई फायदा उठा रही है या कोई बिजनेस इंटरेक्शन कर रही है तो जी टू जी हो गया ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट दूसरे ट्रेजरी डिपार्टमेंट को पैसा भेजेगा तो वो जी टू जी हो गया और इन सब प्रोसेस में क्या यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है इसी को तो कहते हैं ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी जहां इन्वॉल्व है वहां पर डेटा इन्वॉल्व है और जहां डेटा इन्वॉल्व है वहां डेटा का ब्रीच होने का खतरा बहुत रहता है तो डेटा के ब्रीच को के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा का सिक्योरिटी और डेटा का सिक्योरिटी तुम ब्लॉकचेन से कर सकते हो डेटा का सिक्योरिटी तुमने प्रोवाइड कर दिया ओपन तो कर दो ए को यूज कर लो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा तुम्हारा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है उसका ट्रायल बन, उसका ट्रेल बन जाएगा पैसा मैंने इसको प्रोवाइड किया पैसा उसको प्रोवाइड किया डायरेक्ट बेनिफिट तुम पहुंचा सकते हो लोगों को गांव के लोग जहां पे डॉक्टर्स नहीं आ पाते हैं वहां पे तुम टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो है ना तुम एक डीएम बनकर के ये सब काम कर सकते हो बहुत अच्छे से कर सकते हो और ये जॉब अपॉर्चुनिटी तुमको कोई और नहीं देगा अगर तुम में इंटेंट इंटेंट है कुछ करने का तो मैं तुमसे वही कह रहा हूं अब ये सवाल दोबारा रीड करो ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने अभी इतना एग्जांपल्स दिया टेलीमेडिसिन का इसका एजुकेशन का या जो भी है वो सिर्फ इसका नहीं है सर्विस डिलीवरी सिर्फ ये नहीं कि आप रूटीनली अप्लाई कर दिए टीवी लगा दिए ये कर दिए वो कर दिए इट इज एज मच अबाउट मल्टी फेरियस बहुत सारे इंटरेक्शन कौन से इंटरक्शन जी टू सी जी टू सी जी टू बी

आई टी प्लस आई टी इज इक्वल टू आई टी मोदी जी तो मोदी जी के साथ एक आई एस ऑफिसर हमेशा रहता है जो उनको ये सब की वर्ड बताते रहता है तो मोदी जी का क्या कहना है आई टी प्लस आई टी इज इक्वल टू आई टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फंडा जो है वही है टू ए बी जो एक्स्ट्रा मोदी जी का कहना कि प्लस टू ए बी कहाँ से आया वो लोगों के मिलने से आया है तो मोदी का क्या कहना क्या है ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्स टू ए बी इनके बहुत सारे लेक्चर में तुम देखोगे ये वर्ड वो बहुत हाईलाइट कर दी ये एक्स्ट्रा टू ए बी कहाँ से है वो इसलिए आया क्योंकि ए और बी ने साथ मिल करके काम किया तो एक्स्ट्रा टू ए बी है ये मोदी जी का लॉजिक है मतलब तो जो भी तो उनका एक लॉजिक है आई टी प्लस आई टी इज इक्वल टू आई टी क्या है ये आई टी प्लस आई टी का उनका कहना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमारो कल का जो भारत है hmm. वो आईटी और इंडियन टैलेंट का इस्तेमाल करके इंडिया टुमारो कल का जो भारत होगा उसमें आईटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा मोहित जी मोहित जी जब भी ऐसा कुछ निमोनिक देना उसको लिख लो तो यूपीएससी के आंसर में उसको यूज कर लो तो उसके पीछे बहुत दिमाग जाता है बहुत सारा आई ऑफिसर लोग परेशान रहता है कि कैसे एक अच्छा निमोनिक दें ताकि काम बने तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या है आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टू अब यही आपका मोदी जी का एक दूसरा भी है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस इसका मतलब ही है ई गवर्नेंस इस्तेमाल करके तो उनका एक और क्या है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस तो क्या मतलब है तो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कम से कम हो ह्यूमन इंगेजमेंट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन इंटरक्शन लीस्ट हो क्योंकि जहां ह्यूमन इंटर कर गया वहां पे करप्शन के चार्जेस बढ़ गए जहां टेक्नोलॉजी हो गया वहां पे आपका जो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी किसी को थोड़ी समझ रहा है पहचान रहा है कौन हो तुम क्या हो वो तो जहां जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी जो भी सर्विस प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड होगा तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस ये सारे जो वर्ड्स है ना e-governance. तो याद रखिए गवर्नेंस आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर साल एक सवाल पूछा जाता है तो so, एक नया हेडिंग दे दीजिए ई गवर्नेंस का ई e गवर्नेंस का एक नया हेडिंग दीजिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे फिर हम लोग आज के लिए ऑफ कर देंगे बस पांच सात मिनट और ठीक है तो so, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ई e गवर्नेंस में लिखिए उसको स्टार मार्क कीजिए ई e गवर्नमेंट ई e गवर्नेंस एक इंपॉर्टेंट यूनिट है और यह भी ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी के दिशा में एक नेसेसरी स्टेप है तो क्वेश्चन लिखिए ये यूपीएससी में पूछा गया है कि ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस As a critical tool of governance has resulted in transparency and accountability, has resulted in transparency and accountability in governance, in governance, in governance. What inadequacies, what, what. इन एडिक्वेसीज वॉट इन एडिक्वेसीज हेम्पर वॉट इन एडिक्वेसीज हैं इनहानसमेंट वॉट इन एडिक्वेसीज हेम्पर द एनहानसमेंट ऑफ दीज फीचर्स ऑफ दीज फीचर्स यानी आपसे इश्यूज़ पूछ रहा है ई e गवर्नेंस में क्या इश्यूज हैं क्या और गैप्स हैं क्या और प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमारा कोर्स ऑफ डिस्कशन डिसाइड करेगा ई गवर्नेंस के बारे में इसके साथ ही साथ आप ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए 2024 का है ना जो अभी पूछा गया है और पिछले पाँच साल का पेपर आप लोग कल लेकर के आइए ठीक है ठीके? उससे क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और मान के चलिए आपके ओपीएससी में तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा ई गवर्नेंस पे हो सकता है आपको ऐसे लिखने बोल दे ई गवर्नेंस पर और देखिएगा यही सब सवाल पूछेगा कोई दाएं बाएं नहीं होगा एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आपके उड़ीसा को निकालने का भी बहुत सिंपल तरीका है जितना बोला जा रहा है उतना प्रिपेयर कर लीजिए बाकी दाएं बाएं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं स्टिक कीजिए बस जो बोला जा रहा है उतना कीजिए उसके ना एक पॉइंट दाएं ना एक पॉइंट बाएं आपका आराम से डेढ़ से दो साल में निकल जाएगा एक डेढ़ साल में ठीक है लिख लीजिए इसको ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट e governance is not just about the routine application it is not just about the routine application of digital technology in service delivery process of <coughs> digital technology in service delivery process it is as much about it is as much about it is as much about multifarious multifarious interactions it is about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability for ensuring transparency and accountability for ensuring transparency and accountability In this context, <clears throat> in this context, evaluate the role of evaluate the role of interactive service model. In this context, evaluate in this context evaluate the role of interactive service model, interactive service model of e governance, interactive service model of e governance. गवर्नेस इंटरटिव सर्विस मॉडल ऑफ ई गवर्नेस ई गोड़ा साइडिया ऑलरेडी दे दिया है ई e गवर्नेंस के बारे में जी टू सी जी टू बी है ना जी टू जी एग्जाम्पल्स बहुत सारा दिया किस तरीके से पीपीपी वाला मॉडल काम करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे ये फ्यूचर है कि आपका दोनों देखिए अब, अब तक क्या होता था कि सरकार ही सारी चीजों को मैनेज करती थी चाहे वो पी एस यूज हो चाहे वो आपका एयरलाइन हो चाहे कोई भी चीज़ हो सारी सरकारी मैनेज करती थी सरकार का काम गवर्न करना है सरकार का काम मोदी जी का ये स्टेटमेंट है कि इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना बिजनेस करने का काम प्राइवेट प्लेयर्स का है मेरा काम है पॉलिसीज बनाना और गवर्न करना इसलिए हम लोग धीरे 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 सोशलिस्ट से ना कैपिटलिस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं सोशलिज्म प्रिंसिपल से धीरे धीरे हम लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइज की जा रही है प्राइवेटाइज करना मतलब क्या प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स अगर आएंगे तो आप देखिएगा कि क्वालिटी ऑफ़ सर्विस है जो वो वो इम्प्रूव होगा हाँ बट इट इज गोइंग टू कम एट द कॉस्ट ऑफ इट बीइंग अ प्राइजी अफेयर क्योंकि उसको तो प्राइव उसको प्रॉफिट मेकिंग करना है इन सारे प्रोसेस में कैसे आप एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं वेलफेयर स्टेट का और कैपिटलिज्म का दैट इज अ चैलेंज दैट नीड्स टू बी टेक इन केयर ऑफ इन सारे प्रोसेस में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करेगा गवर्नेंस का मॉडल क्रिएट करने का ताकि आपका वो मैक्सिमम लोगों तक इफेक्टिवली सर्विस को डिलीवर कर सके नंदन नीलकनी का नाम सुना होगा कुछ लोगों ने जिन्होंने आधार बनाया जिन्होंने यूपीआई बनाया जो इन्फोसिस के को फाउंडर है नंदन नीलकनी मतलब मैं बोलूंगा आप लोग थोड़ा सा रीड कीजिए ऐसा ना न्यूज पढ़िए बहुत लोग आप लोग एकदम फ्रेश है, लगता है आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है ठीक है विच इज ऑल राइट पर इस स्टेज से बाहर निकलिए छह महीना चार महीने के अंदर अंदर थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में जब आऊं तब भी आप लोग थोड़ा सा एक लगी कि आप लोग रीड कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस को क्रिएट कीजिए ऐसे नहीं कि बस हाँ ठीक है ये आइडिया से निकलिए कि अभी आप तैयारी शुरू किए मतलब इंप्रूव करो हर दिन नंदन नीले कनी लेकर क्या है आपका आधार पूरा डिजिटाइज्ड वर्जन ऑफ अ पर्सन उससे कितना बेनिफिट हुआ अभी बहुत ज्यादा लोगों तक आम जनमानस तक चीज़ें आसानी से पहुंच जाती है बट इट इज़ कमिंग एट अ कॉस्ट इंडिया का आप जब तक देखते होंगे कि डेटा ब्रीच हो गया इतने मिलियन यूजर्स का डेटा बाहर चला गया तो ये सब एक चैलेंज है अगर आपको डेटा को स्ट्रॉन्ग करना है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आपको डेटा सिक्योरिटी पे काम करने की जरूरत पड़ेगी तो ये, चीजों तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे कल के क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे ले जाएंगे आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ना लेट्स मीट टुमारो थैंक यू